जगदीश
कई जनम पै की पतंगा, कई जनम रजनी पुरंगा। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म रजनीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प हो, सर्प होयो कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की पैया, मिल जगदीश मिलन की पैया, चिरं कई जन्म सैल गिर करे आ, कई जन्म गर्भ हिर करे आ, कई जन्म सैल गिर करे चौरासी जून कमा।
जा
नानक हर हर गुण गाए मिल जगदीश दिलन की बरी मिल जगदीश मिलन ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਜਬ ਜਾਗੇ ਤਬ ਸਵੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਤਮਕ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਚੰਦਰਾਇਣ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਤਮਕ ਨੀਂਦ ਮੇ ਸੋ ਰਹਾ ਹੂੰ तो मैं जाल में फंस गया हूँ जाल विच ते मैं फंस गया छुटना भी ते मैनू है समझ आ गई कि मैं फंस गया हाँ आज सारी दुनिया को समझ में आ रही है वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन हम एक दूसरे के लिए जहमत बने हुए हैं हम वर्ल्ड वार क्रिएट करके बैठे हुए हैं डोर टू डोर नॉट वन कंट्री टू अनदर कंट्री डोर टू डोर जैसे कण कण में भगवान है
ऐसे कण कण में हमने एक दूसरे के लिए जीना दूभर कर दिया है। इसलिए जो खबरें आप सुनते हैं, जो कुछ चारों तरफ हो रहा है, इसे होपलेसनेस की अवस्था आ गई। हम सब उदास हैं, होपलेस हैं, लाइफ मोनोटनस है और दुखी हैं, सोच रहे हैं अब क्या करें। ए अवस्था ते हजारां सालां तो वापर दी है, वापर रही है। इंसान ते तरस खा के रब जी ने गुरप्रसाद दी बारिश कीती हुई है। विजडम इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेस, कृपा, बख्शिश। मनुख वास्ते कृपा बख्शिश ग्रेस दी नज़र विच नदरी रब जी ने अपना करम फलसफा सारी दुनिया नु दिता है, उसको बोलते हैं धर्म। तू दुखी है, धर्म दा पल्ला फड़ ले, सुखी हो जाएगा। तू दुखी है, धर्म दे पल्ले नु इग्नोर करदा है, पिठ दे देंदा है, यू इग्नोर निंदा करता है, तो तू आप तो दुखी होगा, औरों को भी दुखी करेगा। इस करके तैनू नवा बनना पड़ेगा। जे तू सीरियस है, संजीदा है, नवा जन्म तैनू देना पड़ेगा। सो सारे यस और नो बोलोगे, धर्म अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, यस धर्म है, सदियां तो है, जदों तो सृष्टि साजी गई है धर्म अवेलेबल है, पर सानू यूज करना नहीं आ रहा। धर्म मनुख नू ओदे अंदर दे रब जी दे नाल मिलाप करांदा है, यूनिसन विद गॉड, वननेस विद गॉड अप्लाई करा के मिलवा देंदा, पॉसिबल करा देंदा। धर्म अवेलेबल है पर सानू वर्तना नहीं आता। तुसी सब ने सुनिया कि एक मालक अपने नौकर नू कहंदा है, तुमको इसलिए रखा है कि बाग में पानी देके आओ। ये जो हमने पीछे इतने महंगे पौधे लगाए हैं, बाग में पानी देके आओ। सो इस रोज उन्हें पूछता है, आज पूछता है नौकर, शामों तुमने बाग को पानी दे दिया? शामों कहता है, सर बारिश आ रही है। उन्होंने मालक साडे वर्ग है, पता है कि कहता है, तू छाता लेके दे देना था ना। दैट मीन्स यू डोंट नो पौधों को पानी क्यों दिया जाता है। इस तरह धर्म है, अवेलेबल है, सानू वर्तना ही नहीं उहदे बारे पता, इस करके साडा रब जी नाल मिलाप हो नहीं रहा है। असी मोमो ठगने बन के ऐसे शो कर रहे हैं, हम सब धर्मी हैं, चाहे चारों तरफ किसी स्त्री की पत लुटी जाए, हम धर्मी हैं सब। चाहे समाज में किसी को दाज के नाम पर बेच दिया जाए, हम धर्मी हैं, मिले हुए हैं भगवान से। देखो माला फेर तो रहे हैं, रोज़ सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते तो हैं, धर्मी हैं हम। कैसा मौसम बन गया चारों पासे, सानू यूज़ करना नहीं आ रहा ना। सही है, सुनो, यूज़ करना नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। असी बासी बासी करके खा रहे हैं। पड़ोसन, बहनी ये सुबह सुबह क्या खा रही है? कहती है डिनर कर रही है। माय गॉड, सवेरे सवेरे डिनर कर रही है? हाँ, उल्लू डिनर तो
रात के खाने को कहते हैं, पता है की कहती है, मैं रात का ही तो खा रही हूं, सो इट्स डिनर, रात का बासी, इस तरह धर्म। बासी कर करके खा रहे हैं, शरीर नु लग नहीं रहा है, जो रिजल्ट्स प्राप्त होने चाहिए ने हो नहीं रहे ने, क्यों मैनू पता नहीं है। आई कैन नॉट एनालाइज माई सेल्फ, मैं अपनी स्वयं पर चोल नहीं कर सकता। इस करके अज का साडा टॉपिक इतों शुरू होएगा कि असी पैदा होए हैं, मैनू मकसद नहीं पता। सतसंगत जी, धरती ते जिथे भी जो कुछ भी माइक्रो लेवल ते और मैक्रो लेवल ते कुछ भी मिसहैपनिंग्स हो रही है ना, इंसान वालों किसी नू ब्लेम करन दी जरूरत नहीं है, ना उस इंसान नू, ना पुलिस नू, ना गवर्नमेंट नू, ना कानूना नू, ते ना धर्म नू। सानू ये लभना है कि इहदा कारण की है, ते कारण मैं अपने ते लभांगा। जे मेरे नाल भी इंज ही होंदा है तो मेरी भी तो सोचने की केमिस्ट्री इंज ही है। अज असी सारे सफेद पोश बने हुए हैं, पर ऑफिसिस दे अंदर जदों साड़ी माँ धी भैन काम करन जाती है, शी इज़ नॉट सेफ। उसनों जिहड़ा मर्जी बॉस एक्सप्लॉइट कर सकता है, आज शाम को तुम देर से जाना, काम है। उदे पत्त दे नाल खेड सकता है, चारों पासे हाल है। पर जिन्हों ये पता लग जाए मेरे ऊपर हाथी सवार हो गया है, मेरे मेरी मत के ऊपर हाथी का पूरा पूरा रोग आ चुका है। हाथी सारी दुनिया में धरती उत्ते सब तो ज्यादा कामी होता है, डार्विन थ्योरी मुताबिक, धर्म के मुताबिक। धर्म च कहते ने जो जो दिसे सो सो रोगी, और कहते ने काम रोग मैगल बस लीना, मैगल हाथी, सबसे ज्यादा हाथी को काम सताता है, एज पर डार्विन। ऑलमोस्ट 348 फीमेल हथनियों को अपने कब्जे में रखता है, अपनी टेरिटरी में। वन मेल हाथी एंजॉयज 348 अप्रॉक्सीमेट। उस दी टेरिटरी अंदर दूसरा हाथी आएगा, उसको अपना माइट ताकत दिखानी होगी, देन वन कैन एंजॉय दीज 348 फीमेल हथनियाँ। हाथी नू बहुत सतांदा है काम, सानू नहीं पता कि मेरे अंदर कितों आ गया। हाउ कम हाथी इज इनकलकेटिड, अंदर किवें वड़ गया, इंजेक्ट किवें हो गया मेरे अंदर, सानू पता नहीं है। मैनू अपने बारे कुछ भी नहीं पता, मैनू पता ही नहीं कि मैं रात नू 2-3 बजे तक 4 बजे तक जागदा रहना, और दूसरे दिन दोपहर के 2-3 बजे तक सोता रहता हूँ। जैसे वो पड़ोसन डिनर सुबह खा रही थी, ऐसे मेरा ब्रेकफास्ट सुबह दोपहर को 2 बजे शुरू होगा। मम्मी ब्रेकफास्ट लाओ, शाम को 8 बजे अब लंच लाओ, एंज हो रहा ना। मैनू पता ही नहीं है कि आई एम लिविंग लाइक उल्लू, और ये उल्लू जागता है रात को, मेरे को पता ही नहीं। इनू कहते ने आवन आए सृष्ट में बिन बूझे पशु टोर, वन इज लाइक एनिमल। सृष्टि ते आया पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं रहा। जो मैं समझ नहीं रहा, मेरे अंदर धरती ते जितने बीइंग्स ने ना, सारियां दियां सारियां बीमारियां आ गईयां। आवन आए सृष्ट में बिन बुझे पशु टोर, नानक गुरमुख सो बुझे जाके भाग मथुर।
पाग मथोर मीन्स पिछले जन्म दे मत्थे लिखे पाग नहीं। आज अगर किसी स्त्री की पत लूट ली जाए बाजार में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने पिछले जन्म के कर्म है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। साड़ी मां धी भैन जिहड़ी भी किसी जगह दाज दे नां हेठां जलाई जाती है, इसको पिछले जन्म के कर्म के भाग कहना बहुत बड़े पाप हो जाएगा। असी अपना चिंतन कर रहे हैं, असी अपना सैल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि सानू पहला सब्जेक्ट दिता गया आवन है सृष्ट में बिन बूझे। तू बूझता नहीं है, तू समझता नहीं है ये रिडल को अपने बारे में, तू क्या है? पशु है। धर्म मजहब तो सिखिया लेके लड़ाई मुकानी सी, असी कम्युनल हेट्रेड शुरू कर ली, पशुआ वांगू लड़ना शुरू कर दिता। मनु धर्म यूज जो नहीं करना आंदा, अपने ते अप्लाई करना आंदा ही नहीं। बचाना जानता हूं मैं, रखवाला हूं धर्म का। आज दे सेमिनार च ना मेरे को बार बार मेरे कोई लफ्ज नहीं ने, आई कैन से डॉग, आई कैन से कुकर, पर कभी फ्लो विच कुत्ता लफ्ज निकल जाए मैं माफ कर देना। मैं अपना धर्म बचाने वास्ते कुत्ते की रब भोंक सकता, पता नहीं है मैनू कि धर्म किस वास्ते बनया। कुत्ते वांगू लोभी भी हाँ, लालची भी हाँ, एंड बार्किंग ऑन अदर्स भी। मैं जी वाह मैं रखवाला हूँ, तू रखवाला है या धर्म तेरी राखी करेगा जानवरों से? सो जे असी धर्म तो मनुखता वाले गुण सीखे ही नहीं तो असी धर्म नू टकोसला बना के रख दिता है। सी धर्म का मुखौटा लगाया होया। और धर्म मैनू सिखा रहा है गॉडली क्वालिटीज वर्च्यू सिख। जे मैं नहीं सीखता उन्होंने कहते ने जो ना सुने जस परमानंदा। पशु पंखी त्रिगद जोन ते मंदा यूसलैस, तू उन्हों तो भी गया गुजरिया। पशु पंखी त्रिगत जोन ते मंदा, ये जो जूनिया है ना इनसे भी बदतर है तेरा जीवन। सानू कह रहे ने यह रोग कट्टे जा सकते ने, तां कट्टे जा सकते ने जे तू आज ये वाले चांस नू अवेल कर लवे। चांस इज ऑलरेडी गिवन, इनू बरिया कहते ने। टाइम इज गिवन एंड यू डोंट वॉन्ट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। इस करके असी अज का टॉपिक चुनिया, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर पोयो, कई जन्म हैवर ब्रिक्स जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। जगदीश की होंदा है? मेरे हिरदे रूपी जगत दा, इस जगत सृष्टि धरती दा मेरे ईश ईश्वर जो इहदा मालक है, जो इस नूं ठीक तरीके नाल चला सकता है, उन्हें तो मिल सकता है। वंस यू मीट तां तेरी खेल बन जाएगी, तेरे सारे जितने गलत सुभा ने सारे ठीक हो जाएंगे, फिक्सअप हो जाएंगे। तो बड़ी देर तो है काम नू डिले कर रहे हैं। ने बिलंग धर्मंग बिलंग पापंग, तू नकम्मे कम्मां नूं तां देरी नहीं कर रहा, सच नूं डिले करी जा रहा। पिछे असी आस्ट्रेलिया और लंडन इटली और स्वीडन सैमीनार करके आए हाँ, सब जगह साढ़े सामने एक श्लोक बार बार आ जाता सी, कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए।
तू सच को इग्नोर करता है, तेरा ब्याज इंटरेस्ट अवगुणा दा, जितने जूना ने सारिया जूना दे अवगुणा दा, जितने बीइंग्स ने धरती ते उन्हां दे सारे अवगुण तेरे अंदर ने, और इन्हां दे नाल तू मल्टीप्लाई कर करके उस अवगुण दे नाल जिएगा। ब्याज बढ़न तो जाए ना हर भजियो, सच नहीं समझिया, डिले कीता, ना खत फट्यो, तेरा लेखा मुकेगा ही नहीं जींदे जी इस धरती ते, इसी जन्म च तेरा लेखा तेरा खाता फटदा नहीं। ना हर भजियो ना खत फट्यो, काल पहुँचियो आए। काल की है? आत्मक मौत। तेनू विकार सतान गए तो दुखी होएगा। सो मेरी तुलना कर दिती गई, जो ना सुने जस परमानंदा, पशु पंखी त्रिगत जोन ते मंदा। मेरी तुलना कर दिती गई गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कुकरै सुकरै गर्द बै काकै सरपन तुलखलै। माय गॉड, अगर गुरमंत्र डज नॉट मीन के मैं एक लफ्जी रटन द मंत्र नहीं पढ़ता, गुरमंत्र मीन्स जो अंदर से तेरे को सच दिखाया गया, तरीका जुगत टेक्निक गुर सिखाया गया है, तू उसके मुताबिक नहीं जीता तो तू कुत्ता सुअर गर्द बै खोता गदा काकै कां अते सप दे बराबर आके खड़ा हो गया। मैं तो इंसान था और यहां से आके नीचे गिर गया। ऐसे सासंग जी, मेरे को नहीं पता कि मरने के बाद 84 लाख जून का सर्कल होता है, उसमें पढ़ जाते हैं, फिर उसमें पढ़ के आके फिर मम्मी पापा मिल जाते हैं, फिर हम मनुख बन जाते हैं, फिर यहां पर कोई पाप करते हैं, फिर 84 लाख जून का चक्कर शुरू होता है। मेरे को नहीं पता, पर ऐसा समझ आ रहा साफ साफ एट प्रेजेंट मैं ओ जूना भोग रहा हाँ। मरण तो बाद भोगांगा कि नहीं भोगांगा, जन्म लैन तो पहला वो जूना विच मैं है सी या नहीं सी आई कैन नॉट से, बट एट प्रेजेंट मैं पल पल जून बदलता हाँ, कुत्ते वांगू भोगदा हाँ, सप वांगू जहर घोलता हाँ, डर सप वांगू मैनू लगता है, सिर अपना छुपा के कुंडली मार के बैठता हाँ, हिरन मैं बनता हाँ, मनु कन्न दा रस है, मैं रूप वटांदा हाँ, मैं मुखौटे लगाता हूँ, मैं परसोना लगांदा, मैं दिन च लखा वारी अपना रूप बदलता, आई कीप ऑन चेंजिंग माई फेसिस। मेरी गली से बाहर का कुत्ता आ जाए तो मैं पूंछ ऊपर कर लेता हूँ, और किसी की गली में जाऊँ तो मैं अपनी पूंछ टांगों में दबा लेता हूँ, और धर्म को सुन सुन के बदलता नहीं हूँ, मैं कुत्ते की पूंछ की तरह हूँ, स्वान पूंछ जो पयो ना सूदो। सासंगत ये मेरे तो होने वापर रहे हैं, हाउ कम वी आर टॉकिंग अबाउट जन्म से पहले और मरने के बाद। मैं मुखोटे बदलता हाँ, पर अफसोस मैं धर्म नू लेके सच दा पहरन चोला वेस धारण नहीं करदा। धर्म सुनिया बड़ा पढ़िया बड़ा पर जीविया नहीं, अप्लाई नहीं कीता। जे मैं गुरमंत्र हीणस्य हाँ, विदाउट सच विदाउट धर्म तो मैं जी रहा हाँ, धर्म पढ़िया है, धर्म सुनिया है, धर्म दूजियां नूं दस्या बड़ा है, धर्म याद बड़ा है, इसको धर्म नहीं बोलते हैं। जब इसको अप्लाई करते हैं उसको धर्म बोलते हैं। जे मैं अप्लाई ही नहीं कीता, मनु अप्लाई करना आंदा ही नहीं, उस पड़ोसन की तरह मैं डिनर खाती हूँ, उस मालिक की तरह मैं तो बारिश में भी पानी दिए जा रहा हूं, मैनू तो अप्लाई करना आता ही नहीं। जे मैनू अप्लाई नहीं करना आता, उन्होंने कहने गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कुकरै सुकरै गर्द बै काकै सरपन तुलखलै, मैं तो बंदा है ही नहीं।
सत्संग जी आप सब बंदे हो गए, बाणी पढ़ के मैनू समझ आ रही है मैं बंदा नहीं। जे मैं बंदा नहीं तो की हाँ, हाँ करतूत पशु की मानस जात, देखने में बंदा लगता हूं, अंदर से पशु हां करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात, अंदरों पशु हां पशु मानस चंप लेटे, मैंने मनुखा वाला चमड़ा लपेटा हुआ चारों तरफ से, मैं हिपोक्रेट हूं, मैं बैरूपिया हूं, मैं फिल्मों का जबरदस्त एक्टर हूं, बखरे बखरे रोल मैं कर लेता हूं बड़े परफेक्ट, फिर मेरे बारे में बोला जाता है आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बिल्कुल किरदार को पूरा पूरा निभाया, क्योंकि मेरे को एक्टिंग आती है। मैं बंदा नहीं हां मैं पशु हां, रादर मैं होर तो धर्म का अहंकार करता, मेरे को धर्म आता है, मैं ऐसे नंगे पैर जाता हूँ, मैं 40 दिन जाता हूँ, मैं इतने मंत्र पढ़ता हूँ, मैं ऐसे माला फेरता हूँ, अपने धर्म अपने पैसा अपनी कार अपना मजहब अपना स्टेटस अपनी जात का दिखावा भी करता, हाँ मैं पशु होर, मनु पशुता तो छुड़ाण वास्ते धर्म दिता गया सी, पर धर्म नू मैं वर्तना जानता नहीं हाँ, धर्म को एक्सप्लॉयट करदा, उत्तों अहंकार करदा धर्म का, जिसके पास अक्ल ना हो और उसके बाद भी वो अहंकार करे आप उसको क्या बोलेंगे, फोन नहीं बोलोगे ना, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला वेला, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, एक हो गए। गुरु साहब को पूछते, गुरु साहब कहते ना नानक से नर असल खर, वो असली खोते हैं गधे ने, नानक से नर असल खर जो बिन गुण गर्भ करंत, गुण पास में एक भी नहीं है, घमंड बड़ा करता है, अव्वल दर्जे दा तू टॉप क्लास गोल्ड मेडलिस्ट खोता है, खोता मनुख नहीं है। सासंगत मैं तुहानू नहीं कह सकता मैनू जो समझ आ रहा, अच्छा मैं ऐ समझण वास्ते अज दा सैमीनार रखे है कि मैं की हो गया हाँ, मां प्यो दी नजर च मैं बंदा पैदा होया सी, इंसान पैदा हुआ था, हो गया खोता मैं, हो गया कुत्ता मैं, हो गया सप मैं, हो गया हाथी मैं, नानक सेनर असल खर, जिसनों गल समझ आ जाएगी ना वो कहेगा मैं ना खोता नहीं बनना चाहता, गुरु जी कहेंगे खोता नहीं बनना तो गर्भ को छोड़ दे घमंड को छोड़ दे, सो सिंपल। अच्छा ऐसे खोते कि जो उनसे छूट जाते हैं, हाँ यस ऐसे चक्रव्यूह से छूट जाते हैं, तेरी माँ सोई हुई थी ना इसलिए तेरी मत सोई हुई थी ना, तेरे को चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया निकलना नहीं आया ना, मत जगा ले, मां रूपी मत जाग पड़ी ना चक्रव्यूह से निकलना आ जाएगा, चक्रव्यूह खोता मैं नहीं बनना गर्भ छोड़ दे, हाथी भी बड़ा कमांड करता है। सो असी ना हुण अपने आप नूं पुछांगे जे धर्म कोलों मैं मनुखता वाले गुण नहीं सीखे और ह्यूमैनिज्म मेरी लाइफ चो मिसिंग है तो मैं रिलीजन नूं एक शो ऑफ बनाया होया, जदों मैं रिलीजन नूं शो ऑफ बनाया होया तो मैं धर्म का सारा दिखावा कर रहा, इहनूं कहिंदे ने नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या शिंगार, आबे तो मरा हुआ डेड बॉडी है जस्ट लाइक कॉर्प्स, जो मृतक मिथ्या श्रृंगार, जितने मर्जी श्रृंगार कर लो धर्म दे या कॉस्मेटिक्स दे, मैनू कह रहे ने जे धर्म तो सच दा व्यवहार बिहेवियर सीखिया ही नहीं ते तू टुरदा फिरदा लाश है, मूविंग कॉर्प्स है,
अब लाशें तो एक दूसरे से सच्ची मुच्ची के कब्रिस्तान में लड़ती नहीं हैं। लाशें तो जहां संस्कार, जहां क्रीमेशन करते हैं, वहां पर जल जाती हैं। पर ये कौन सी लाशें हैं? असी पता कौन एट प्रेजेंट, असी भूतना बेताला। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, रादर वी आर स्पिरिट गोस्ट। असी भूत प्रेत हाँ। अच्छा, तू भूत प्रेत है? रियलाइज करता है? छूट सकता है? गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हीरे, सतगुरु पाइए पूरा नावण, पशु प्रेतों देव करे। अबे प्रेत से भी छूट सकता है, पशुता से भी छूट सकता है, चंगे गुण प्राप्त कर सकता है। चंगे गुण ह्यूमैनिटी है, इंसानियत भरपूर जीवन है। मनुखता दे किरदार तो डिगना अवतरण कहलाता है, पशुता इंसानियत दे तल तो तू गिर गया है और अवतरण हो गया है। वापस इस लेवल नू अचीव करना है, धर्म का मकसद है। जे असी धर्म नू सीखे ही नहीं तो हुणे असी पशु हाँ, जे धर्म नू जी ही नहीं रहे तां असी मानो पशु हाँ। इत्थे तक सहमत हो? सही है सो नो? उच्चा बोलो सारे प्लीज। सो गए थे सारे पशु सतान गए, सो गए तो चक्रव्यूह में सो जाएंगे, फंस जाएंगे। और जाग के बोलो प्लीज। मनो पिछले 40 साल में इस शब्द क्वेश्चन किया जाता है। वीर जी, अगला पिछला जन्म या पिछले जन्म के मत्थे लिखे भाग नहीं होते, और मरने के बाद अगर भगवान सजा नहीं देता तो दसो इस शब्द के क्या अर्थ है? कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। लोकी मनु इस तरह ना आयरनी दे ढंग दे नाल, बड़े व्यंग दे ढंग दे नाल ना चैलेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं। मैनू जितनी समझ आई है ना, मैं अज एक निमाणा जहा जतन कर रहा इस शब्द दे विचों समझण दा। एक हरियाणा का गीत है, मुझे शायद याद ठीक तरीके से ना हो, पर उसमें वो बोलती है, मेरे सैया भये कोतवाल, भये कोतवाल, भये, भये मीन्स पास्ट टेंस या प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गए हैं मेरे पति देव, कोतवाल बन गए हैं भये, भये। सारिया अवस्थावां मेरे ते वापर रही है, पए कई जन्म, पए 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 सब जगाएगा, पए पया पयो मेरे ऊपर ये होने लग गया है। मैं रियलाइज कर रहा हूं इसको। अच्छा जी, असी ऐस अवतरण तो छुटना है, इस करके असी आज दे सेमिनार च अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अस इस इंट्रोस्पेक्शन करद्या होया असी ये समझना है, अज ना एक तुहाडे वास्ते क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है। मेरे माता पिता के कारण मेरा ये शरीर पैदा हुआ, ए बी, या धर्म से पैदा हुआ? इस शब्द की एक बड़ी बारीकी है, एक रिडल है। माता पिता से जन्म प्राप्त हुआ इसको इंसान बोलते हैं, या धर्म को सीख के प्रैक्टिकली वैसा बीइंग बन के फिर जन्म प्राप्त होगा? ये जन्म अभी नहीं प्राप्त हुआ जिसका तूने नाम रखा हुआ है, आज 30 अक्टूबर है, आज मेरा बर्थडे है, ये नहीं, अभी तू पैदा हुआ ही नहीं है, नया जन्म देना होगा। अपने आप नूं क्वेश्चन पूछिए, इस शब्द ही जा रहा है, साध संग पयो जन्म प्राप्त। साध संग जी फिर की है? साध संग तो सच दी मत लैके, चंगे गुण लैके जन्म प्राप्त होगा, या मैं तो गलत फहमी से समझा बैठा था, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पैदा कर दिया और मैं इंसान हूं? नो नो नो, अभी तो हम पिछले 15 मिनट में यही समझे हैं। नहीं, तू तो पशु है, तू तो सप है, तू तो कुत्ता है, तू ते त्रिकट जोन ते मंदा है।
सो असी आज अपनी देह नूं सवारांगे। सत्संग पे जन्म प्राप्त, मैं मेरा ना ये शरीर खराब हो गया, इसका थॉट प्रोसेस खराब हो गया, मैंने इसको सवारना है, क्योंकि आपने मेरे को कहा है दुर्लभ देह सवार जाए ना दरगाहार, अपनी दुर्लभ देह सवार। जे देह नूं सवारेगा है दुर्लभ है, इनू कहिंदे ने मानस जन्म दुर्लभ है, इनू कहिंदे ने हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतित होए पुनीत। मैं पतित हाँ, जदों मैं इंसानियत दे तल तों पशुता दे तल ते आके गिर जांदा, कीड़ा पतंगा बनिया फिरदा हाँ, विष्टा का कीड़ा बनिया फिरदा हाँ, ता मैं पतित हाँ, कोट पतित होए पुनीत, पवित्र हो गया, पुनीत हो गया। पतित मीन्स मेरा जानवर पुना खत्म, आई गॉट द न्यू जन्म। इस दे बारे असी अज टॉपिक, साडे थीम ऑफ द सेमिनार ये अज है कि मैं अपनी दुर्लभ देह संवारनी कीवें है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करदे होया असी शब्द नूं समझांगे। जे मैं जानवर हाँ तां मैनू समझना है, नानक ज्योतिस भावै सो थीए, इना जनता वास किछ ना है। अगर तू ये जानवर बन के अपने काम कराना चाहता है, कोई किसी की पत लूट के तू हाथी बन के बड़ा अपना लस्ट को पूरा कर रहा है, या तू कुत्ते की तरह भूख के अपने कमाइयां कर रहा है, या दो भरावां नूं लड़ाने वास्ते तू अपना जहर सप वाला घोलता है, या तू स्टप्पन होके खोता बनिया रहिंदा और टाला टोला करदा रहिंदा है, तां तू मनुख तां है नहीं। इन्हां जानवरां दी आदतां नूं तू टेक बना लिया, इन्हां जनता के वस किछ ना है, तेरे को सुख नहीं मिलेगा। बी केयरफुल, जे तू धर्म चाहना है तां इसनूं एंजॉय कर, पर सानू आदत नहीं है। असी सच वालों बिल्कुल गधे खोते डमी बन जाते हैं। एक पड़ोसन बाहर खड़ी है बड़ी अपसेट, दूजी पड़ोसन बालकोनी तो पूछती है, बहन क्या हुआ इतनी परेशान क्यों खड़ी है? कहती 5 घंटे से मेरा पति सब्जी लेने गया हुआ, अभी नहीं आया। ये परेशान है, पति सब्जी लेने गया 5 घंटे से नहीं आया, यदी परेशानी पता की है? वो पड़ोसन नूं समझ नहीं आई है, कहती है तो आमलेट बना लेना। माई गॉड, शी इज अपसेट, मेरा पति नहीं आया, एंड शी इज ओनली कंसर्न्ड आमलेट बना ले, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर सब्जी, बट शी शुड वेट फॉर पति और नॉट। सत्संग जी, तुसी सब्जी के बदले आमलेट बनाओगे या अपने घर तो गए हुए पिता जी या पापा जी या भरा या माँ या किसी की वेट करोगे? सही है, सुनो, वेट करोगे या आमलेट बना लोगे? ते फिर मिल जगदीश मिलन की बरिया है ना। क्यों दूजिया चीजा पास ध्यान लगा रहा? इस करके असी ना इस शब्द के नाल एक ना इस तो पिछला शब्द समझण की भी थोड़ी जी कोशिश करते हैं। क्यों भ्रमी है भ्रम किसका होई, जा जल थल मैल रव्यास होई। क्यों भटक रहा मैं, कभी कुत्ता बन रहा, बिल्ली बन रहा, सप बन रहा, 84 लाख जूना भोग रहा, पल पल हर वेले मैं अपनी रीइनकारनेशन करी जा रहा, पुनर्जन्म करी जा रहा, बहरूपिया हो रहा, अपनी रूप वटाई जा रहा, मैं क्यों भ्रम रहा? गुरमुख उभरे मनमुख पथ खोई, जिस राखे आप राम दियारा, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। अगे कहिंदे ने राव तो बाद, सब मैं वरतै एक अनंता, तां तू सुख सो होए अचिंता, वो सब कुछ जाना है जो वर्तनता, मन मुख हुए जिन दूजी प्यासा। जो अपने मन की बात सुनता है उसको अपने इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया नू मौज लैण दा दिल करता है, इन्हां अखां दे नाल, इन्हां कन्नां दे नाल, इस जीभ दे नाल
अपने सारे ऑर्गन्स दे नाल उधर थॉट प्रोसेस एक एक में लाइन होया मन मेले सब किच मेला तन तो होता है मन अच्छा ना होए ये तीर्थ तो ना आंदा पर मन मेला उदी गति करांदा नहीं है मन मुख दूजे पाओ दूजा पाओ की होंदा एक अपने स्वाए आए बह गुर आगे। अब आपको कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाओगे ना बताएंगे कार चाहिए ये वाला पाठ करो, पुत्र चाहिए ये वाला पाठ इतनी बारी करो, अच्छा तुमको नौकरी चाहिए अच्छा पुत्र का ब्याह कराना है फलानी जगह 40 दिन नंगे पैर जाओ। जो तो ऐसे गिमिक्स देते ने ना सानू दूजा पाउच फसाते ने। सात संगत जी इन गुरु साहब फैसला कर रहे ने, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं हाँ। कहते ने एक अपने स्वाए आए सेल्फिश मोटो के लिए आते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, धर्म को जीना नहीं है। एक अपने स्वाए आए बह गुर आ गए, जो बगल समाध लगाई है अबे बगला बन के यहां बैठता है, बगला मच्छी पकड़ता है आंखें बंद करके, तू आंखें बंद करके किसी स्त्री को पकड़ता है, तू आंखें बंद करके कार पकड़ता है, तू आंखें बंद करके पुत्र लेना चाहता है, तू आंखें बंद करके बगला है बगला। एक अपने स्वाय आए वह गुर आ गए जो बगल समाज लगाई है। सात संगत जी फिर सारा सेमिनार तुसी प्रूव करोगे, मैं नहीं करांगा। जिस जिसनू अपनी अपनी अवस्था समझ आएगी, जे मैं धर्म तो सच लैंदा ही नहीं और धर्म नू इस तरीके नाल वरतदा कि मेरा दूजा पाव है अदर इंटरेस्ट है तो उन्हूं बगला कहते ने, राइट। सो हम बगले हैं, हम सब बगले हैं। अच्छा मैं तो धर्म अब बदल लेता हूं, मैं सप सप जे असी सप आता हूं। कहते ने काहे को कीजे ध्यान जपन ना जापते शुद्ध ना ही मन अपना। अबे बार बार से क्या है, भगवान के नाम का रटन करता रहता है, माला फेरता रहता है, आंखें बंद करता है, मेडिटेशन करता रहता है, समाधियां लगाता रहता है, ध्यान टिकाए रखता है, बहुत बारी भगवान का नाम लेता रहता है, गॉड अल्लाह वाहिगुरु खुदा का, काहे को कीजे ध्यान जपन ना जपते शुद्ध ना ही मन अपना। तेरा मन शुद्ध नहीं है, तू सप है। सत्संग जी शब्द कह रहे हैं, अच्छा है मेरे ते पयो हो रहा है, ए मैं जीना, ये मेरी अवस्था है, हो माई गुडनेस मैं ते फस गया। सो दूजा पाओ दूजा पाओ होर थोड़ा जा क्लियर कर ली है। पति पत्नी नू कहंदा तेरे पिता जी ने दाज में घड़ी दी थी रुक गई, पत्नी पता की कहंदी है चाबी नहीं दी होगी, कहंदा देख तेरा प्यो कितना मूर्ख है, घड़ी दित्ती चाबी नहीं दित्ती। इस तरह सानू रब पिता ने सारिया नू टाइम वेला बरिया संभालन वास्ते कड़ी दिती है, पर असी दूजा पाव वास्ते जा रहे हैं, चाबी भी दो ना अपने बाप को बोल के चाबी भी दे, धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, सर चाबी भी दो, दूजिया चीज़ा मंग रहे हैं ना। जो धार्मिक स्थान पर दूजिया चीज़ा जाके मंगता है वो दूजा पाव विच है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। धर्म तू यूज नहीं करेगा, धर्म जे यूज नहीं करेगा तो तू सप है, धर्म जे यूज नहीं करेगा तो तू बगला भगत है, धर्म जे यूज नहीं करेगा तो तू पेड़ है, पता केड़ा सिंबल रुख, सिंबल रुख शरीर में मैं जन देख पुलन, सिंबल रुख सरायरा बड़ा उच्चा लंबा अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर तोते विचारे आते ने, जाए निराशे कित फल फिक्के फूल बक बके, कम ना आवे पत पत्ते भी कम नहीं आते, फूल भी कम नहीं आते, किसी भी कम जोगा नहीं, तू ए धर्मी बनया फिर दे, तू तो सिमल रुख है। सात संगत हुण तुसी फिर बोलोगे हुणे के मरण तो पहला सी, हुणे उच्चा बोलो हुणे,
अच्छा ये मैं सिमल रूखा मरण तो बाद बन जाऊंगा या हुने हाँ इदा मतलब मेरी गल हुने दी चल रही है तुसी क्या है हुने जे असी हुने नहीं सीखना चाहते ना तो सानू अल्ट्रुइज्म दूजे वास्ते जीना आएगा नहीं और असी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट वास्ते धर्म नू यूज करते रहेंगे चैरिटी बिगिन्स एट होम अब तां असी समझांगे हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है अब हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे अब हम कोशिश करेंगे धर्म को अपने ऊपर अप्लाई करके दूसरों के लिए कैसे जीते हैं हमारे चारों तरफ सड़क के ऊपर झुग्गी में या सड़क के किनारे या नाले के पास या गंदगी जहाँ पर है जहाँ पर आप खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हमारे देश में हमारे बहन भाई सड़क पर सोते हैं वो हमको नज़र नहीं आते और हम कुत्ता पाल के अपने बेड पे ऐसे रख के गोदी में रखते हैं ये कुत्ता हमको नजर आया वो बहन भाई हमको नजर नहीं आते क्यों जिस धार्मिक स्थान पर जाके हमने ये सीखा कि पुत्र कैसे मिलेगा शब्द बताओ मंत्र बताओ पाठरत्न बताओ उस धार्मिक स्थान वालों ने बोल दिया ये जो सड़क फुटपाथ पर गरीब है ना ये पिछले जन्म के कर्मों करके हैं साडे चो किसी की भी माँ भैन की इज्जत पत लुटी जाए और सानू आके कोई कहे पिछले जन्म के कर्मों करके हुआ है तो सानू बर्दाश्त होएगा सही है सुनो जे नहीं होएगा तो असं पिछले जन्म के कर्मों के किस्मत के मत्थे लिखे भाग की क्यों गल्ला कर रहे हैं असी क्यों नहीं है सारे काम कर सकते असी कर सकते हैं जी असी चाहिए असी 84 लाख जूना वाले जानवर बिरतियां वाले सारे जिया जनता दी आदतों तो उठ सकते हैं इस शब्द दे एंड ते आएगा जो कुछ हुआ सो तुझते होगा इफ यू वांट अवर ना दूजा करना है जोग कोई और नहीं करेगा ए जड़े लोड़वंद भैन भरा है ना नीदी भैन भरा ने ना धरती ते जो चौंक पे खड़े होके नंगे पैर इतनी धूप में इतनी ठंड में आपके कार का शीशा नीचा करा के आपसे 10 रुपये मांग रहे होते हैं वो हमारे भैन भाई हैं उनकी ये गरीबी दूर हो सकती है हम सरकार को बुरा भला बोल दिया पुलिस को बुरा भला बोल दिया गरीबों को बुरा भला बोल दिया ये बेईमान है ये गंदे हैं ये मेरी कार को टच कर जाएंगे मेरी कार मैली हो जाएगी तेरा मन मैला है क्यों नहीं समझ आ रही छुट सकते हैं कोई होर नहीं करेगा है असी छुट सकते हैं डुल्ले बेरा दा हुने भी कुछ नहीं विगड़िया असी ये कर सकते हैं इस करके साडे अज दा ये सेमिनार दा थीम है तो इस थीम वास्ते असी थोड़ा थोड़ा शब्द के अंदर मर्ज करते जाते हैं अंदर डीप उतरते जाते हैं शब्द है कई जन्म पे कीट पतंगा इस शब्द का राव है मिल जगदीश मिलन की बरिया तेनू समझ आया कि तू कुत्ता है तेनू समझ आया कि तू सप है तू मान रहा कि तू बगला भगत है तू मान रहा कि तू पशु पंछी त्रिगत जोन ते मनता है तू मनता है कि तू सिंबल रुख वांगू शो ऑफ करदा है पर तेरे को गुण कोई नहीं फल फिक्के फुल बक बके कोई नज़दीक आता है तो उन्होंने गालां कढ़दा है बुरे बोल बोलदा है कोई तेनों धर्मी समझ के तेरे नेड़े आता है तू ओदी जेब कट लैंदा है तेनों रियलाइज़ हो रहा है डिसरियलाइजेशन इज़ बढ़िया अपने जगत के ईश नाल मिल जा तू बड़ी देर तो उन्हें डिले कर रहा चिरंकाल बड़ी देर तो एक चीज़ नू डिले करना चिरंकाल होता है अते बड़ी मेहनत कर करके एक 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 चंगा चंगा गुण सीख के अपना किरदार बनाना इनू ही कहते ने चिरंकाल बहुत देर से एक एक स्वभाव को सीख सीख के अपना किरदार बनाना इंसानियत वाला किरदार बना ल चिरंकाल इदे संजरिया संजरिया होंदा संचित करना कट्ठा करना संच हर धन
संचित करना, इकट्ठा करना। तू ते पैसा इकट्ठा कीता है, कारां चार बार इकट्ठियां कर लिया ने, दाज मांग के तू बड़ियां तिजोरियां भर लिया ने, हुण तू रब्बी गुण संचित कर लै, इकट्ठे कर लै। चिरंकाले दे संजरिया, संजरिया मीन्स इकट्ठी कर, केड़ी रब्बी गुणा दी, चंगे चंगे गुण। पर तेरे अंदर ते बड़े सारे जानवर बिरतियां ने, अच्छा इन्हां जानवर बिरतियां नूं ठीक कर लै फिर। यू वॉन्ट टू स्टे विद कुत्ता, ओके कुत्ते को वफादार बना लै, है ना। अच्छा यू वॉन्ट टू स्टे विद कां कां, कौआ, अच्छा कौए नूं सीधे पासे पा लै। अच्छा यू वॉन्ट टू स्टे विद यूअर बैल, अपने बैल नूं सीधा कर लै। यू वॉन्ट टू स्टे विद हाथी, तो अभी अभिमान वाला अहंकार छड़ दे। ऐ सारे जानवरों नूं सत्संग जी, अपने अंदर के सारे जितने भी जानवर हैं, जानव वृत्तियां मेरे अंदर हैं, ये मेरी पिछले जन्म के कई सालों, कई अरबों सालों से नहीं आई हैं, ये चारों तरफ हैं, और इनको मैंने नींद में सोते सोते अनअवेयर होके कलेक्ट कर लिया, ले लिया है। चारों पासों से पैड़े गुण लेंदे, हाँ मेरे चारों पासे ने उन्हें सारियां दिया, सारियां बिरतियां मैं कलेक्ट कीतियां हुई हैं, मैनू पता ही नहीं है। कॉलेज बैठे हैं और चार लड़के बोल रहे हैं, वह सामने टोटा जा रहा है, इसको फंसाओ और कॉलेज के किसी रूम में ले जाके इसकी पत लूट लो। अवगुण इकट्ठा करना सानू बड़ा पसंद है, बट वी डोंट नो कि ये तो हाथी घूम रहा था मेरे दिमाग के चारों पासे और मैंने हाथी का काम रोक पकड़ लिया। ओ माई गॉड, कालभूत की हस्तनी मन बौरा रे, हाथी हाथी काम ही होता है। और हाथी को पकड़ने के लिए एक पतला सा महावत, बड़े आराम से खड्डा खोदता है गहरा सा, और इस खड्डे के ऊपर कच्ची कच्ची घास की छत बना देता है, ऊपर कागज की एक हथनी, फेक फिक्टिशियस झूठी कागज की बना के हथनी खड़ी कर देता है। ये हाथी को समझ में नहीं आती है, ये काम का बंधा हुआ खिंचा हुआ उसकी तरफ भाग के जाता है, हथनी और वो छत गिर जाती है घास की, खड्डे में हाथी गिर जाता है। इसका वो शिकारी महाबत, इसको बहुत दिन भूखा रख के, अंकुश मार मार के, इसको दुखी कर करके, भूखा रख के, निर्बल करके अपने काबू में कर लेता है। क्या हुआ तेरे को, सिर्फ कागज की हथनी देखी। इस तरह असी चारों पासों अवगुण इकट्ठे कर दिया, पर मेरे अंदर ये सारे जानवर ने, इन ईच एंड एवरी सिंगल जानवर दे सुभा 84 लाख जोन उपाई, तू इन्हों एलीवेट कर लै। कैसे एलीवेट होंगे, रिजक दिया सबू को तद का, रिजक होंगे धर्म, धर्म का भोजन, रिजक होंगे धर्म का, सतगुर की मत का फ्रूट, इन्हों रिजक दे देना, ये तेरा हाथी भी ठीक हो जाएगा, तेरा कुत्ता भी ठीक हो जाएगा, तेरा सप भी ठीक हो जाएगा। असी मैं आज ये शब्द नाल लेके आया, इस शब्द असी पिछले हफ्ते विकासपुरी पढ़िया सी, भुजा बांध बिलाकर डार्यो, हस्ती क्रोप मूड में मारियो, हस्त भाग के चीसा मारे, या मूरत के हों बलिहार है। मेरे अंदर का हाथी अहंकार बड़ा करता था, इस शब्द बारे कहानी बनाई हुई है। कबीर जी को हाथी भेजा गया राजे और काजी ने मिलके, पर इस शब्द इस कह रहे ने अंदर की अवस्था दस रहे ने, मेरा हाथी बड़ा तंग करता सी, चीका मारता सी, बहुत हंकार करता सी, पर मेरे हाथी नू पकड़ के बन के सतगुर महावत अगे सुटिया गया, सतगुर ने इनू अंकश मारिया, ता हिरे महावत तुझ डारों काट, हाथी ने अपना सिर कट के रख दिता, मेरी मत रूपी ख्याल दा हाथी रख दिता गया, इसे तुरावों का लो साठ, मैं इनू अंकुश मार मार के सतगुर की मत दा, हस ना तो रह तरह ध्यान, हूँ हाथी की चाल नहीं चलता, मस्त हंकार हाथी की चाल नहीं चलता, वाह कह रिदय बस है भगवान,
हाथी ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या अपराध संत है कीना, हाथी नू समझ आ गई, सतुर ने समझा दिता, बांध पोट कुंचर को दीना, पहला एदे कोल काम दी क्रोध दी हंकार दी पोटली सी, वो सुट दिती और इनू चंगे गुणा दी पोटली दे दिती। कुंचर पोट लैला नमस्कार है, हाथी ठीक हो गया। हाथी कहता है, सर थैंक्स ए लॉट, मेरे को अकल नहीं थी, आपने गुणों की पोटली दे दी मेरे को, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सतगुरु जी वाहिगुरु जी गॉड जी अल्लाह जी वाहिगुरु जी, तुसी मेरे अंदर वसदे हो, तुसी मैं समझा दिता। उस चार टांगों वाले सूंड वाले दो दांत बार वाले हाथी की बात नहीं चल रही, मेरे अंदर दे हाथी की गल चल रही है। वंस मेरा हाथी ट्रांसफॉर्म्ड, कहीं भी किसी भी दामिनी का बलात्कार नहीं होगा। जिस इंसान का हाथी अंदर से फिक्सअप हो जाएगा उसको काम सताएगा ही नहीं, उसको ये अक्कल आ जाएगी, पर बेटी को बेटी जानना है, पर स्त्री को मात बखानना है, वेख पराइयां चंगियां मावां तियां भैणां जानना है। सात संगत अंदर दा हाथी फिक्सअप करना पेगा, दूजियां दा नहीं अपना। जिदा अंदर दा हाथी फिक्सअप हो जाता उदा हंकार भी चला जाता है, उदा काम भी विलीन हो जाता है। पर जे हनेरे विच रहो तब बूझी नहीं काजी अंधियारा, तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजू ना पतीना। जितना मैं इन्हें रोगां च रहिंदा मनु ए समझ नहीं आता, मन कठोर पत्थर हो जाता है, मैं सैलगिरी बन जाता हाँ। कह कबीर हमरा गोबिंद चौथे पद में जन की जिंद, ए मैं जान के शब्द अज तुहाडे नाल डिस्कस किया कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, पर मैं तो समझ ही नहीं रहा कि मैं हाथी का एक्ट करता हाँ। कई भैणा ना ये कह देंदियां, अगर हमने अश्लील कपड़े पाए भी 99% कपड़े मैं उतार के आई भी, तुम क्यों ऐसी गंदी नज़र से देखते हो? ओ मेरी भैन तेनू समझ नहीं है, ये हाथी है, हाथी छोड़ेगा नहीं तेरे को। अश्लील कपड़े कोई शराफत नहीं है, अश्लील कपड़े पहनना कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना नहीं है, अश्लील कपड़े पहनना कोई इंसानियत नहीं है। अश्लील कपड़े वो पहनता है जो दुनिया को ये बताना चाहता है, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, नहीं करती। पर अज ते शराफत दी हद टप गई है, सौरा नूह दे नाल ते प्यो धी दे नाल अश्लील कपड़े पा के दुनिया दे सामने डांस करता है, शराब पींदा है। असी इसनों सभ्यता समझ रहे हैं, हम इसको इकॉनमी उच्ची होना समझ रहे हैं, हम इसको बहुत आगे बढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम अमीर हो गए हैं, स्टॉक मार्केट चढ़ गई है। तू कित्थे टैपया, हाथी बन गया हाथी। जिस माँ ती भैन नूं इह गल समझ आ जाएगी ना, चारों पासे बहुत हाथी फिरते हैं, मेरे को कज नोट के बच के इनसे निकलना है। वो बच के ही निकलेगा, निकलेगी, वो ये चैलेंज नहीं करेगी, मैं तो नंगे कपड़े पहन के आऊंगी, तुम अपनी आंखों को बचा के रखो, अबे हाथी चारों तरफ बहुत सारे हैं। सो मैं ना रियलाइज नहीं कर पा रहा माया कितों आ, क्यों आया वा, मैनू समझ नहीं आ रही। इस करके असी एक शब्द होर लिया, कत की माई बाप कत केरा, कितों था हम आए, मेरे को पता ही नहीं है, मैनू केड़ी कुमत रूपी माता ने पैदा किया, कुमत गंदी मत मेरे अंदर पैदा हो गई है, असंतोख डिसकंटेंटमेंट पिता, मैनू पता नहीं मैं कंसीव किस तरह का होया वा, मैं तो अपने बारे असलियत जानता ही नहीं। कत की माई बाप कत केरा, कितों थाओ हम आए, अगन बिंब जल पीतर निपजे, काहे कम उपाए, वट फॉर आई टुक द बर्थ आई डोंट नो। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहीं ना जानी अवगुण मेरे, अपने अवगुण दसन लगे ने शब्द विच। अवगुण कहंदे ने केते रुख, रुख कहंदे ने पेड़, बिरख हम छीने, रुख बिरख पेड़,
मैं ना ऐ समझ ही नहीं पा रहा कि मैं एक पेड़ देखना, इस पेड़ दे पिछे इसकी जीरांद की है। दरवेशा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद, मैं रियलाइज ही नहीं करता पेड़ के पीछे इस पेड़ की क्वालिटी क्या है। ये पेड़ ऐसे क्यों लोगों को फल देता है, ये पेड़ ऐसे क्यों लोगों को छाया देता है, ये पेड़ क्यों लोगों को इतनी लकड़ी प्रोवाइड कराता है, ये पेड़ क्यों ऐसे बना है, ये पेड़ लोगों को ऑक्सीजन देगा, ए मनु कुछ समझ नहीं है। देखे हैं पेड़ में केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए, चारों पासे पशु है ने, पर मेरे अंदर जड़े पशु पैदा हो गए ने, मनु पता नहीं है इन्हों ट्रांसफॉर्म करके जीना है या बेलगाम अपने हाथी को घोड़े को कुत्ते को चलाते रहना चारों तरफ। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए, मैनु ये गल दिया पता ही नहीं है। इस गल नू वो समझेगा जिहड़ा इस सारे शब्द नू कदे किसी जगह कल्या डिटेल विच मैं लवांगा, पर जिहड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेगा, लैके तकड़ी तोलन लागा कट ही मैवण जारा, अपना एनालिसिस करना। दूसरों के बारे में कहना इनको सजा दे दो, इनको मार दो, इसको जेल कर दो, इसको ये कर दो, इसको समाज से निकाल दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, दूसरों के लिए कहना बड़ा आसान है। तू अपनी तकड़ी लगा के देख व्हाट यू आर। लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही मैं बन जा रहा, जेड़ा अपने अंदर तोलेगा समझेगा उन्हें समझ आ जाएगी। जेता समुन सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किच मेर पावो डूबते पत्थर तारे, मैं ते पत्थर हाँ। सासंगत ये शब्द पत्थर मैं होने हाँ या मरण तो बाद होने ना, पत्थर मैं जन्म लैन तो पहला सी या होने हाँ। जिनके चित कठोर है से वह ना सतगुर पास, जो पत्थर दिल आज है वो किसी की पत लूट सकता है, जो पत्थर दिल आज है वो किसी से दाज ले सकता है, जो पत्थर दिल आज है किसी को दाज के नाम पर सता सकता है, जो पत्थर दिल आज है वो स्त्री अपने पति और सास को जोरू का गुलाम बना के तंग कर सकती है, जो पत्थर दिल है वो किसी को भी कुछ भी सता सकता है। इसका मतलब पत्थर दिल को मोम दिल करना होगा। करना पेगा ना, सही है सर नो, असी सारे कंसर्न ही नहीं आ। पड़ोसी कहता पिया यार वो जो हमारे पिछली गली में रहते हैं ना, वो ना कल अपनी पत्नी को चिड़ियाघर में लेके गए और उन्होंने पता क्या किया, जहां पर बहुत सारे क्रोकोडाइल थे ना वहां पर अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। फिर क्या हुआ, कहता मगरमच्छ उनकी पत्नी को खा गया। उन पता ही कहता मगरमच्छ का पेट खराब हो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ इन जानवरों को बाहर की कोई चीज नहीं देनी चाहिए। ही इज नॉट कंसर्न्ड, इसकी पत्नी को मगरमच्छ खा गया, इस उल्लू ने उसको धक्का दे दिया। सत्संग जी असी कंसर्न्ड हाँ बिल्कुल भी नहीं, असी चारों पासे देख रहे हैं, कंसर्न बिल्कुल नहीं है। फॉर द लास्ट 3 मंथ्स मेरे मदर, मेरे मानयोग बीजी आईसीयू च ने न्यूयॉर्क, 7 दिसंबर नू आके इंडिया ते फरीदाबाद तो लैके अंबाला तो लैके और ऑस्ट्रेलिया तक सेमिनार करने से वो सारे कैंसिल करने पे कि बिकॉज शी वॉज नॉट वेल एंड आई वॉज trying to stay next to her। जदों उन्होंने समझ आई कि मेरे कारण इसने 7 दिसंबर इंडिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, सिंस देन शी ट्राइड हर बेस्ट। मैं बेटा ठीक हाँ, तू जा ना, काइंडली चला जा, मैनू बहुत अंदरों महसूस हो रहा है मेरे पीछे तो नहीं गया। एंड शी केप्ट ऑन पुशिंग मी, सो आई केम ऑन 9th January। जदों मैं 9th January आया ना, मनु कहंदे तेरे सेमिनार दे विच ना एक कहानी सुनाई, एक कहानी मानयोग महरूम
डॉक्टर रघुबीर सिंह बीर जी ने अपनी आत्म साइंस लिखी सी। उन्होंने कहानी सुनाई, रियल वापरी घटना। कहते एक माँ गरीब नहीं सी, बीमार सी, अपने घर कमरे च बैड ते लेटी हुई है और उनू कुछ पकवान दी खुशबू आती है। वो अपनी नूह नू बुलांदी है, बेटा कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हो? कहती हाँ माता जी, तुहाडी तबीयत खराब है, तुसी तो खाने ही नहीं ने, तुहाडी जीभ क्यों लटक रही है? ए साढ़े चारों पासे बोली चलती है। माँ कहती है कोई गल नहीं, फिर भी कुछ जे खान वास्ते मिल जाए। नहीं हुने बन रहे ने, तुसी सबर करो। फिर वो पुछती रहती है, दोपहर तो हो गई शाम, उसकी नूह उसनू दसदी है साढ़े घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, पार्टी होनी है, हाँ 8-10 चीज़ें बन रही हैं। जो ये उन्होंने बार बार पूछ रही सी, नूह औखी हुई, गुस्से नाल उन्हें बोली, इन्नी देर च पुत्र आ गया। माता जी क्या पूछ रहे हैं? बस इन्हों जीभ का स्वाद है, सारी उम्र खाते रहे ने, 90-100 साल के होने लगे ने, पर इन्हों का जीभ का स्वाद नहीं गया, पकवान बन रहे ने हुण, इन्हां वास्ते थोड़ी ने, डॉक्टर ने इन्हों मना किए हुए ने। एंड पुत्र भी थोड़ा जहा उन्होंने यैल करके बोलिया, माता जी तुसी सबर करो ना, उन्हें बनता पे, पहला मेहमानों को दिता जाएगा। यह सब कुछ देखते हो वो माँ बेचारी मंगती मंगती सो गई। मेहमान आए, सब ने रज रज के खाता, मां नू किसी ने नहीं पूछया, वो सुती सी, उसनू एक खाने नहीं मिले। रात दे 2 बजे मां उठती है, उदी नींद खुलती है, उसनू खुशबू आ रही है, कुछ पकवान घर बने हैं, उन्हां दी स्मेल आ रही है, और ये मां उठ के बड़ी मुश्किल दीवार पकड़ पकड़ के किचन तक जाती है। किचन ते जाके देखती है सारे भांडे मुंह ते रखे हुए हैं, सब कुछ खत्म हो गया, बट शी वाज हंगरी और खुशबू आ रही है। She could not stop her craving. ते उन्हें देखिया बार जूठे भांडे पए हैं, ये अमीरा दी माँ मेहमाना दे जूठे भांडे चटन लग पे, भांडे खड़क गए, नौकर उठ गया, सारे आ गए। माता जी है कि तुसी झूठे भांडे चटदे पे हो? गुरु साहब कहंदे ने, नाम बिना जो पैरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, जैसे कुत्ता झूठे बर्तन चाटता है। सत्संग जी मैनू दसो, एक तो मैं कुत्ता हाँ, एक मेरा किरदार कुत्ते वाला है, पर मैं अपनी माँ भी असी सारे चारों पासे इस तरह माँ भी कुत्ते की जूनी च पा दिता कि उन्होंने जूठन खानी पेगी। असी क्यों इतने मस्त होए हुए हैं, असी क्यों इतने सुते हुए हैं, सानू चारों पासे क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा, असी केड़ा जीवन जी रहे हैं, असी केड़ी सभ्यता वाले पड़ गए हाँ। अज दे सेमिनार वाले इंट्रोस्पेक्शन करनी पएगी कि मैं किस काम वास्ते पैदा किया गया, हो की गया हाँ, ते बनना की सी,
मैनू सत्संग भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। आई एम सपोज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, अदरवाइज मेरे चारों पासे बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मेरा भी जीना हराम हो जाएगा, मैं बर्बाद हो रहा, होरां नूं बर्बाद कर रहा। सो जितनी इस शब्द को पढ़ पढ़ के असी अपनी इंट्रोस्पेक्शन सीखांगे तो पता लगेगा मन मैला इज इक्वल टू रबी विछोड़ा। किम सचियारा होई है, किम कूड़ा टुटे पाल, मीन्स मेरे अवगुण भगवान जी के साथ हर्डल है, रुकावट है। मन मैला विछोड़ा, मन मैला मीन्स भटकना, मन मैला मीन्स हनेरा, मन मैला मीन्स परम, मन मैला मीन्स मैनू डर लगता है जम डंडा, मन मैला मीन्स अज्ञानता, मन मैला मीन्स मैं रब जी तो विछुड़िया होया। जे मैं रब जी तो विछड़िया होया हाँ, यह मेरी अवस्था नू कहंदे ने बहुत जन्म बिछड़े थे मात, ये नहीं मैं पिछले जन्म का शारीरिक तौर पर लाखों सालों से बिछड़ा हुआ हूँ, नहीं मैं प्रेजेंट, मेरा मन मैला है तुहाडे तो विछड़िया होया हाँ, और ए दुनियावी जानवर जितने ने उन्हां दा किरदार मैं जींदा हाँ, उन्हां दा किरदार जीना कहलांदा है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ये जन्म तुम्हारे लेखे, नाउ आई वॉन्ट मेरे को मिल जगदीश मिलन की बरिया कर दो, अपने गुण दे दियो, चिरंग काले दे संजरिया मेरी बना दियो, मैनू अपने नाल जोड़ दो। बरिया भी क्लियर हो गया, चिरंग काल भी क्लियर हो गया, विछोड़ा समझ आ गया ना, मेरा विछोड़ा है, मैं जानवर हाँ, कई जन्म पए कीट पतंगा। हो गया शुरू, समझ आ गया सत्संगत, तुहानू मैं समझा सकांगा नहीं, मैनू इन समझ आ रहा है मेरे अंदर की वापरना शुरू होया, केड़े अवगुण वापरने शुरू हो गए ने, आई कैन फील कि मैं क्या बन रहा हूँ। कई जन्म मीन्स वो जो बीइंग्स हैं, मैं उनमें से कीट पतंगे वाला जीवन अभी जी रहा हूँ, कई जन्म पे कीट पतंगा। कीट कीड़ा, किरमजंत, जेडे माइक्रोस्कोप नाल भी ना देखे जा सकते हो। सत्संग जी, साढ़े अंदर जे पेट खराब हो जाए, डॉक्टर कहता है तुहाडे पेट के अंदर कीड़े ने, ये वाली दवाई लेके कीड़े निकालने पड़ेंगे। सत्संग जी, साडे अंदर असी कीमती पदार्थ खाते हैं, और कीमती पदार्थ खाण तो बाद साडी बॉडी दे अंदर सारा कुछ कंज्यूम होने तो बाद जो चीज़ की जरूरत नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, विष्टा। जो असी पखाना जंगल पानी जाते हैं, एक्सक्रीटा साडे शरीर तो निकल जाता है ना, इहदा मतलब साडे शरीर नू जो चीज़ लोड़ नहीं है वह निकल जाती है, करेक्ट। पर मेरे शरीर नू अवगुण रूपी कीट कीड़े जरूरत नहीं हैं, बट स्टिल आई कीप दैम। जे असी अवगुणी जीवन जीते हाँ तो विष्टा दे कीड़े तो वध कुछ भी नहीं, देखने में इंसान लगता है बट यू आर जस्ट विष्टा का कीड़ा। इन लॉज ऑफ नेचर ऑल द अनवांटेड पार्टिकल्स आर इरोडेड फ्रॉम माई बॉडी, बट आई एम अलाइंग विद वाइसिस विच इज इक्वल टू एक्सक्रीटा। मैं विष्टा का कीड़ा हाँ, विष्टा अंदर वास है, फिर जूनी पाए, नानक बिन नाम है जब मारसी, अंत गया पछताए। मैं विष्टा का कीड़ा हाँ, पर मैं विष्टा का कीड़ा कदों बनता,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ, ਜਬ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕੋ ਅਪਣਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਖੋਟਾ ਲਗਾ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਂ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਦੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਵਿਛੜਨਾ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਛੜਾ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਡਿਪਾਰਟਿਡ ਫਰੋਮ ਗੋਡ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਸਕੋ ਮਿਲਾਪ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 8-10 ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚਕਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਭਰਮਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਸ਼ੂਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਥ ਕਾ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਸੰਗਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਇਟ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੂੰ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਰਾਤੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਤ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੰਗੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਕੋ ਏਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਾਨ ਸੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾਦ ਰੋਗ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਹੇੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਨ ਸੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਮ ਧਰਮ ਕੋ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਟਿਊਨੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਰਹਿਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਦ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਹਿਰਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ, ਸੋ ਪਤੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਚ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇ ਤਕਾਸ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਂਚੋਂ ਰੋਗ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਪਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਂਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਪਰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁੱਟੇਗਾ ਪੱਤ ਉਸਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਬਣਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਥੀ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ,
भवरे वाला जीवन, भवरा फूल पवंत्या दुखत पारी राम। अवतरण दूजा पाव है अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस लीड्स टू आत्मक मौत, बोजूनी पटकना। ये कई जन्म गज हाथी बारे मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल तुहाडे नाल सांझ कर चुका हाँ। ये वाली मेरी आदत बनती जा रही है, गज हाथी मीन। मीन बारे गुरु साहब पुछते ने, मछली जाल ना जाने हाँ। मछली को जाल समझ में नहीं आता, मछली जाल ना जाणिया सर खारा असगा। अत सियाणी सोहनी क्यों की तो विसा, क्यों की तो विसा मीन्स क्यों तू बेहोश होई, अनअवेयर होई। उसते क्यों विश्वास कर लिया कि ये तो खाने की चीज़ है, पर तेनू ते जाल पाया गया सी, तेनू ते कंडा पाया गया सी, तेनू ते बेट लगाई गई सी फसान वास्ते। अगे कहंदे ने किते कारण पाकड़ी काल ना टले सिरा, पाई रे इयों जान इयों सिर जानो काल। ऐसे आत्मक मौत आती है, जिहड़ी तुसी न्यूज़ सुनी ना, उस न्यूज़ ही चे सुनिया ना कि सब ने शराब पी हुई थी, शराब पी और मत चली गई, जित पीते मत दूर हुए। हुन मत है ही नहीं, अक्ल है ही नहीं, हुन ते जानवर वाला काम करनगे ना, जानवर आ गया। भाई रे यो सिर जानू काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा। अच्छा इंसानों को भी ऐसे हो जाता है हाँ। पवे अचिंता जाल, ऐसे जाल पै जाता है इंज। अच्छा मैं मच्छी हाँ, मेरी मच्छी की आदत है कभी इधर कदे उधर, मैं दौड़ती रहती हूँ कितों कुछ खाने को मिले। मनु कहते ने मीन की चप्पल स्यों जुगत मन राखी है, तेनों मीन की यह चपलता चंचलता तो ना अपने मन को रोकना पेगा। कई जन्म गज मीन करंगा, गज मीनस हाथी, हाथी अपनी किसी भी प्राप्ति करके धर्म के कर्म कांड करके पूरे हंकारी हो जाते हाँ, तो मानो असी हाथी हाँ। उन्होंने कहते ने तीरथ बरतर दान कर मन में तरह गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यो कुंचर इशनान। जैसे हाथी सब कुछ धर्म कर्म का सब कुछ करके नात होके आता है और बाहर आके मिट्टी डाल लेता है, ऐसे तो धर्म कर्म का सब कुछ करता है, पर करण तो बाद तेरा किरदार की है। सत्संग जी ये ना मेरा जड़ा हाथी रूपी हंकार ते काम है ना, इसनू असी आज सीख रहे हैं हाउ टू फिक्स इट अप। आ गया मेरी अनअवेयरनेस ना लाया ता मेरी माँ रूपी मत सुती हुई सी और मैं चक्रव्यूह फस गया हाँ, पर हुन मनु चक्रव्यूह निकलना है, मनु मेरी मत जगानी पेगी, मेरे को मेरी मुई गऊ देव जीवाए करना पेगा। मेरी गां मर गई है, मेरी मत सुती हुई है, इनू जगाना पेगा। पंखी जदों असी अपने आप नू सियाणा समझ के होरना दे नुक्स कटदे हाँ, ता उस इल और कां वांगुआ जो उड़ते तो हैं लेकिन नीचे उनको मरा हुआ चूहा नजर आता है, ता मैं पंखी हाँ। कबीर मन पंखी पे हो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए, मैं पंखी बन जाता हाँ। जदों मैं अचानक ख्याल किधरे उड़ के होर चला जाता ना, मैं पंखी बन जाता हाँ। जदों मैं धर्म को अपनांदा नहीं हाँ, पर धर्म का सब कुछ याद करके इतों तोता रटनी करता रहता, तो मैं तोता होंदा हाँ। सच्ची मुच्ची नहीं बोल रहा होंदा, जो यहाँ पर जबान पे मेरे को सिखाया गया तो बोल मिठू तोता राम बोल बोल बोल, मैं उन बोल देता, मैं तोता हाँ पंखी हाँ। कां ते इल बनया होया, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए, मैं जिथे मुड़दार देखा जहां पर किसी का कोई भी अवगुण देखा, मैं ऊपर से ईगल आई के साथ उसको देखता तो हूं पर जाके उसका मुड़दार खाता हूं, मैं इल बन जाता। मेरे अवगुणा रूपी कान उड़ाते ने कबीर जी, उड़ो ना कागा कारे बेग मिली जे अपने राम प्यारे, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास। मैनू हूं यह सारा समझाया जा रहा है।
कि तू कई जन्म पंखी सर्प होयो, तेरे ते वापर रहे एट प्रेजेंट हो रहा है। अपना अवतरण समझ रहे हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर है, ऐसी चिंता में जो मर है, सर्प जोन वाल वाल उतर है, मैं सर्प जोन ही जाऊँ। जे मेरा ध्यान मेरे मन की मत दे पीछे चलता है और मन की मत मैनू इस तरह पटकांदी है, इनू इस्त्री कहते हैं। हर इंसान जिस मर्जी जेंडर का है, उसकी मत अगर उसको गलत सिखा रही है तो वो राम को जंगल में भेजने का हुक्म कर देगी, भगवान से बिछड़ जाओ। जेड़ी मत मैनू कहेगी राम को जंगल में भेजो, भगवान को हृदय से निकालो, वो वाली मत मेरी घर की नार मैनू पुठे ख्याल सिखाती है। मेरी बायोलॉजिकल रियल वाइफ की नहीं गल चल रही, किसी भी पत्नी की ये स्त्री की बात नहीं चल रही, मेरी मत, मेरी जेड़ी मत है ए ही माया है, मेरी मत ही सर्पनी है, मेरी मत ही मैनू ए वाले पासे पांदी है, इस सप तो मैनू बचाया जा रहा है। धर्म के ना हेठा पैसा कट्ठा करके पैसे उत्ते फन खिलार के बैठ जाना और माया जड़ी कट्ठी कीती है दे नाल इंसानियत दे काम ना कर ले, जैसे सांप होता है ना पैसे के ऊपर फन खिलार के बैठता है, ऐसे असी सप मेरे ते वापरदा है। साड़ी मत मंदे ख्याल पैदा कर दिया ते उन्हां नूं खांदी हंडादी ते ये माया रूपी सरपनी कहलांदी है। इनू कहंदे ने बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे आर जारी, मैं लंबी उम्र ते भोगदा पर सप वाली कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए के आउतर है जाए अपने खाए। असी अपने मंदे ख्याल मेरी मत पैदा कर दी है और अपने मंदे ख्यालों नू खांदी रहती है हंडादी रहती है, मैं सप हाँ कई जन्म पंखी सर्प होयो, मैं हुने सप हाँ, मैं सप वाली बिरती नाल जीवन जी रहा हाँ। ए मेरा अवतरण, मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा अपने बारे। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वाल वाल अवतरे, इंसान से गिर के सांप बन गया। माय गुडनेस, कई जन्म हैवर ब्रिक जोयो, हैवर होंदा घोड़े, ब्रिक होंदा बैल, एवं ही जुतदा रहना मैं, अनकाय रातड़िया के कम्मा च जुतिया रहता। दिन में 10 कार्ड आते हैं, शादी कहाँ पर है मुझे जाना पड़ता है, फिर 10 कार्ड आते हैं, आज रुका है, आज ठाका है, आज मौका है, आज टोका है, आज ठाका है, आज ये, आज कुड़माई है, आज चुन्नी चढ़ाई है, आज रुस लाई है, आज मुँह चलाई है, आज कदम पुआई है, बड़े सारे कम्मा तो मैं बेकार के कम्मा तो घोड़े हाथी वागू जुतना पैंता है, जाना पैंता है। आज फलाना मर गया है, आज उनका संस्कार होगा, आज उनको स्वर्ग में भेजेंगे, आज उनको नरक से निकालेंगे, आज उनका वरीण है, आज उनका करवा चौथ है, आज उनका श्राद्ध है, आज ये वो है, ये सारे कामों में मुझे जानना पड़ता है। किसी का पुत्र जम पे है, किसी का मर गया है, किसी का वरीण है, किसी का एनीवर्सरी है, ये बड़े सारे कामों में उन्हें जाना पड़ता है। सत्संग जी, एक पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, मेरा जड़ा घोड़ा है ना ए बेलगाम, इस घोड़े नू लगाम लगा के सिखाया जा रहा है, बेमुहार, इसके ऊपर रस्सी डाल के इसको मुहार डाल के पकड़ के रख, लगाम पहराओ हिच है ता प्रेम के चाबुक मारो, जे तू सच तो मुनकर होंदा है ता मैं तेनू सीधे पासे ले जाना चाहना, चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, मेरे घोड़े नू ठीक किया जाएगा। सत्संग जी, ये मेरा जिहड़ा बैल है ना, मेरा जिहड़ा घोड़ा है ना, ये मैं मेरे ते वापर रहा है। पत्नी जाती है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये मेरे पति को देखो, इसकी आंखें चेक करो, आई स्पेशलिस्ट को। उन्हें चेक किया, इनकी आंखें ठीक है, 20/20 है, बिल्कुल ठीक है, दूर का भी नज़र आ रहा है, नज़दीक का भी नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरी पड़ोसन बोल रही थी कि तेरे पति की नज़र गंदी हो गई है,
वाह जी वाह, यू थॉट के मेडिकल ऑप्थमोलॉजिस्ट की नज़र के हिसाब के ना नज़र गंदी हो गई है या उसके थॉट प्रोसेस की नज़र गंदी हो गई है, ये पता नहीं है ना। असी सारे दूजियां नू अपनी नज़र गंदी दे नाल उत्तों थले तक पूरी तरह उदा पत लुट लेंदे हाँ, उत्तों थले तक उसके कपड़े उतार देंदे हाँ, उत्तों थले तक अपनी नज़र दे नाल किसी नू लेट डाउन कर देंदे हाँ। मेरी नज़र खराब हो गई है, मैनू पता ही नहीं कि मैं दूजियां वास्ते जीना सी, हलीमी दी नज़र रखनी सी, हमदर्दी नज़र रखनी सी, सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जै तिर देखा तो तिर मौजूद समझना सी। मुझे तो ओमनी प्रेजेंट गॉड समझाया गया था, मैं वो देख ही नहीं रहा। सत्संग जी, टीचर बच्चे नू समझाती और बच्चा घर आके कहता मम्मी कल मैंने स्कूल में टीचर से सुना, टीचर बोल रही थी हम लोग औरों के लिए बने हैं, तब माँ पता की कहती है आपकी टीचर तो बहुत अच्छा बता रही थी। सत्संग जी, आजकल वैसे पढ़ाई चो गायब हो गया है, उच्चिया उच्चिया डिग्रियां उच्चिया उच्चिया पढ़ाइयां, मॉरल साइंस गायब हो गई है, टोटल एथिक्स खत्म हो गए हैं। दस दस ग्यारह ग्यारह साल दे बच्चे कामी बिरती अंदर पै गए ने, अठवीं क्लास विच स्कूल विच मुंडे शराब पी लेंदे ने, चारों पासे गड़बड़ हो रही है, लेकिन माँ बड़ी हैरान हुई आपके टीचर ने तो बहुत अच्छी बात बताई है। पर बच्चा कहता मम्मी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। कहती इसमें क्या कंफ्यूज होना है, आपके टीचर ने सही पढ़ाया है, हम लोग औरों के लिए पैदा हुए हैं। दैट इज कॉल्ड आल्ट्रुइज्म, दूजियां वास्ते पैदा होया। ये शरीर सब धर्म है, रोटी मूँह च पाँदा मेरे सारे शरीर की ताकत आ जाती है, सुन दे कान ने मनू समझ आ जाती है, वेखदियाँ अखा ने पैर टुर के जाते हैं, टुरदे पैर ने पूरी बॉडी नू लै जाते हैं, यह हाथ गुराई चुकदा पाँदा मूँह च, हाथ थोड़ा ना खाँदा है, एक दूसरे के लिए जीते हैं। ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की जोत है। पर वो बच्चा कहता मम्मी मैं कंफ्यूज हो गया, टीचर बोल रही थी हम औरों के लिए जीते हैं। माँ कहती है टीचर ने सही बोला था बेटा, कंफ्यूज क्यों हो गए। बच्चा पता क्या कहता है, फिर मम्मी और किस लिए बने हैं। जदों साडा ध्यान और वाले पासे पै जाता है ना, तो मैनू की करना है, वेयर डू आई स्टैंड, ए भुल जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लिव फॉर अदर्स, दैट्स इट। इस तरह ईच एंड सिंगल ह्यूमन बीइंग जब असी दूजे वास्ते जीना सीखांगे तो गल बनती जाएगी ना, असी दूजे वास्ते नहीं जी रहे, असी आप अपने वास्ते भी नहीं जी रहे, असी ते घोड़े खोते मक्खी मच्छर बने हुए हैं, हैवर ब्रिक जो हो, सांड बने हुए हैं, एक दूजे नाल धर्म दी बहस करके सिंग लड़ाते हैं, खोते बने हुए हैं, धर्म कट्ठा किया है, खर चंदन जस पारा, खोते ने सिर के ऊपर चंदन का भार लादा होना, ऐसे खोते बने हुए हैं। इस चंदन के बारे में समझ नहीं है, सानू वर्तना नहीं आ रहा, असी कदे सप हाँ, कदे हैवर गैवर हाँ, कदे ब्रिक जोयो हाँ, कदे कुछ हाँ, कदे कुछ हाँ। अगे कहंदे ने कई जन्म सैलगिर करिया। सत्संग जी, सैलगिरी की होंदा है, एक होंदा है खुश्क पहाड़, एक होंदा है ग्रीनरी वाले पहाड़, एक विच सुक्की मिट्टी होंदी है, एक विच हार्ड रॉक होंदी है। ए सारे अवगुण मेरे च आ गए ने, मैं पत्थर बन गया बिल्कुल, मेरा मन कठोर हो गया, जिनके चित कठोर हैं से बह ना सतगुर पास, वो सच सुनना नहीं चाहते ने,
वो सच दे नेड़े नहीं बैठणगे। सतसंग जी साढ़े इसी प्रोग्राम के अंदर इतने तिल तरन की थान नहीं होएगी, करोड़ों बंदे बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे जे इतने ये सिखाया जाए साढ़े नाल लोगे तो ऐश करोगे। जे इतने सिखाया जाए 99% कपड़े उतार के आ जा नच लै नच बलिए जे सिखाया जाएगा ना बाहर बहुत भीड़ लग जाएगी। हुण असी सैलगिरी करिया हो गए हंकारी हो के लोकां दा दाणा पाणी खोण दा रूप दिखांदे हाँ तां मानो असी वली कंधारी हाँ जिहदी गुरु नानक साहब दे नाल साखी असी सुनदे हाँ। उसने पत्थर सुट्टिया, मैं हंकारी पत्थर वाला वली कंधारी हाँ क्योंकि मैं सच सुनना चाहता ही नहीं, मेरा कोमल चित है ही नहीं, सच सुनना पसंद नहीं, तो चित कठोर है, मानो मैं पत्थर हाँ पहाड़ हाँ हार्ड हार्टिड हाँ। सैलगिरी करिया सतसंग जी, जे तुहानू चित कठोर महसूस होंदा होए ना तो तुसीं चारों पासे देखना है। रीसेंटली कल मैनू उन्हें दसिया, वीर जी मैं कैनेडा तो आया, मैं मेरे घर के बाहर ठंड बहुत सी, मैं बाई चांस अपनी विंडो तो देखिया एक 85 साल के बुजुर्ग पापा जी, उन्होंने मोढ़े ते बहुत भारा बैग चुकिया होया सी, अखबारां सी और वो एक एक घर अखबार सुट रहे सी। बुजुर्ग कहते मैं बाहर निकलिया, पापा जी इन्नी ठंड है और तुसी अखबारां सुट रहे हो। यू नो वट पापा जी सैड, पापा जी सैड मेरे बच्चियां ने मैनू इत्थे बुलाया सी, मैनू $700 गौरमेंट वालों मिलते ने, वो लै लैंदे ने, मैनू खान नू कुछ देंदे नहीं हैं और मैनू कहंदे ने तुसी अपने पैसे कमा के लियाओ, मैनू घरों कढ देंदे ने। मैं ऐना अखबार वेच वेच के अपनी ब्रेड बटर कमांदा। सतसंग जी असी पत्थर हार्ड हार्टिड हाँ के नहीं, असी पत्थर हाँ, असी कई जन्म सैलगिरी करिया हुणे वापर रहा है। जो इसनों महसूस करेगा वही करेगा ना। रिसेंटली हैपन्ड, एक बेटे नूं उहदा फादर कहिंदा, बेटा मैं रिटायर हो गया, पेंशन लैण वास्ते बैंक जाना पैंदा, पहला मेरे च ताकत सी मैं बैंक चला जांदा सी, हुण जा नहीं सकदा, तुसी मैनूं स्कूटर या कार ते बैंक पेंशन लैण जा सकते हो मेरे नाल। बेटा पता ही कहिंदा, पापा जी तुहानूं पता ही है कितना मुश्किल है, ट्रैफिक होंदा, मैनूं काम ते भी जाना है, मैनूं इन्ना प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तुसी रिक्शा कर सकते हो ना, कि हर वेले तुसी मेरे पिछे पए रहिंदे हो, लै जा तुहाडी चवानी जी तक पेंशन नहीं आनी, मेरी इन्नी तनखा, इन्ना प्रोजेक्ट, इन्ना काम काज है। सो ही स्टार्टिड येलिंग एट फादर, अल्टीमेटली मदर कहती है फादर नूं, इसको क्यों इतना बोलते हो, रहने दो, कोई बात नहीं, रिक्शा कर लो, 10 रुपये की तो बात है। सो ये पापा जी रिक्शा कर देने और रिक्शा करके रिक्शे वाले पूछते हैं आपका नाम क्या है, रिक्शा वाला कहता चंदू, कहता चंदू बेटा मेरे को बैंक ले जा सकते हो, वहाँ तक कितने पैसे लगेंगे, चंदू कहता 10 रुपये, कहता अच्छा बेटा ले चलो, 10 रुपये च रिक्शे ते बैंक जाना है। रिक्शे ते बैठ के और बैंक जाके जो उतरे, उतरन वेले चंदू नू कहंदे है आपको कुछ थोड़े पैसे फालतू मैं दे दूंगा, बैंक में कई बार लंबी लाइन होती है, अगर आपको बाहर वेट करनी पड़े कर सकते हो, प्लीज़ कर लेना रिक्शा, पता नहीं मिले ना मिले, आपने मेरा घर भी देख लिया, वापस छोड़ आओगे, चलो प्लीज़। चंदू मान गया, कहंदा हाँ। ये अंदर गए पापा जी, अंदर 2 मिनट में काम हो गया, बैंक के अंदर से छेती आ गए, छेती जो बाहर वापस आए उन्हों कहंदे टाइम तो अंदर बिल्कुल लगा ही नहीं, बेटा अगर लग जाता तो आप तो इंतज़ार करनी थी ना, वैसे मैं आपको फालतू पैसे दे दूंगा, अगर आप रास्ते में ब्रेड बटर खरीदनी है, थोड़ा सा राशन लेना है, अगर वहाँ पर रोक लो तो। वो कहंदा कोई बात नहीं,
चंदू ने उन्हें आउट ऑफ दी वे दुकान च लै गया जिथों थोड़ी ग्रोसरी की थी और ब्रेड बटर खरीदी। जो ये खरीद के उत्थे थैले कट्ठे हो रहे सी, इस चंदू ने रिक्शे वाले ने ब्रेड बटर दे सारे थैले और सब्जी दे थैले रिक्शे च रखे। पापा जी ने पकड़ के हाथ नाल रिक्शे ते बिठाया। पापा जी वेरी सैटिस्फाइड घर गए। घर जाके शुगर दे मरीज सी, एकदम उन्होंने थोड़ा बाथरूम जाना सी, सो उन्हों कहते ने अंदर जान सर, वाइफ नू कहते ने बेटा कित्थे है, कहते तैयार हो रहा है। तू ना रिक्शे वाले को इस समान उतरवा लै, मैं बाथरूम तो आंदा, उन्हू पानी या चाह पिला दें। बड़ा सहज पेशेंस नाल उसने मेरी हेल्प की है। उन्हों ना 10 रुपये नहीं देने, थोड़ी दी मैं वेट भी कराई, उन्हों 20 रुपीज दे दी, पर मैनू आन दे। सो ही इज़ गॉन टू द बाथरूम। और बाथरूम तो वापस आए, उस सीन देखते हैं चंदू नू उन्हां दी वाइफ कह रही है ये 20 रुपये ले लो चाय या पानी पियोगे। चंदू कहता नहीं 20 रुपये नहीं लेने। शी इज़ कंपेलिंग एंड चंदू इज़ रिफ्यूजिंग। पुत्र जिहड़ा तैयार हो रहा सी केम एंड ही सैड तुम लोगों को शर्म नहीं आती ना, 10 के 20 दे दिए और क्या, इसे ज़्यादा दें। अच्छा मम्मी इसको 30 रुपये दे दो, जान छुड़ाओ, ये भूखे लोग हैं, कमीने लोग हैं। इस तरह पुत्र ने उन्हों यल किया। पापा जी पता नहीं क्यों ठीक तरह क्लीयर गल नहीं करते, बड़ा बोलिया, कुत्ते दी न्याई बोलिया, सारिया उत्ते बार्किंग की, भौंकिया। और वो चंदू कहता है मैंने 20 रुपये नहीं लेने। ए पापा जी कहते हैं यार तुमने इतनी पेशेंस से किया, ले लो ना। चंदू पता है कि कहता है पापा जी जब आपने मेरे को रिक्शा किया था ना, आपने मेरे को बोला था चंदू बेटा, जब बेटा बोल दिया तो फिर कैसे ले। सत्संग जी ए बेटा पत्थर तो मोम दिल हो गया है, ओ बेटा पत्थर दिल सैल गिल करिया हो गया है। जस्ट सी द डिफरेंस, असी कैसे पत्थर दिल हो गए। हाँ साढ़े चारों पासे साढ़े माता पिता, साढ़े कितने लोड़वंद, कितनिया विधवावां, कितने इंसान दुखी हो रहे ने, असी उन्हां बारे कुछ भी करन नू तैयार नहीं। हाँ कई जन्म सैल गिर करिया, बड़ा मैं कंब गया सी इस दी डेथ अंदर जा जाके। सत्संग जी क्यों असी इंज कर रहे हैं? कई जन्म गर्भहीर खरिया। गर्भहीर खरिया क्यों होंदा? एक जदों एक माँ दे पेट विच बच्चा कंसीव ना करे उन्हों बाँच कहते हैं। एक दे अंदर कंसीव करे, कुछ महीने बाद डेथ हो जाए, 2-3 महीने बाद उन्हों भी बाँच कहते हैं। एक कंसीव करे और 7-8 महीने बाद बच्चा मर जाए उन्हों भी बाँच कहते हैं। और एक दा बच्चा पैदा होने सर मर जाए उन्हों भी बाँच कहते हैं। सत्संगत इंज ना साड़ी मत है। इस पंक्ति में आएगा हीर खरिया, कई जन्म गर्भ हीर खरिया। गर्भ हीर खरिया होता है कि या तो 2-3 महीने का अंदर कंसीव होया तो मर गया, या 7-8 महीने का होया पैदा होने सर मर गया। ये मेरी मत है, इहदा गर्भ इक है। गर्भ के अंदर धर्म की गल सुनदा है, 2-3 सकिंट या 2-3 महीने रहती है, प्रैक्टिकल नहीं करता। गर्भ पतन हो गया, मिसकैरियज हो गया, सारा शब्द मेरे ते टुक रहा है। या मैं धार्मिक स्थान ते जांदा, अंदर जाके बाहर जाके फिर बदल जांदा, या मैं शमशान भूमि ते जांदा, बड़ा शरीफ शरीफ बन जांदा, फिर बदल जांदा। मैनू चारों पासे इतना गंद पिया होया, फिर भी मैनू अपने बिजनेस, अपना काम, अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, इन्हां तों इलावा वेल ही नहीं मिल रही, तो मैं इस तरह हो ही जा रहा, की हो रहा है? अज असीं हुणे सुन रहे हां, जे सुनन सार असीं फिर बदल जाइए तो पत्थर ही हाँ, जे सुनन सार फिर बदल जाइए तो गर्भ हीर खरिया ही है। मैं एक दिन इंटरनेट पर एक स्टोरी पढ़ रहा सी, मिस्टर जॉन, स्टोरी भावें अमेरिका दी है पर इत्थे भी वापरदी है। रोज़ नर्स घूम रही है, देखती है ये टर्मिनल इल मरीज़ बेचारा, बहुत
लास्ट एज ते है, लास्ट मोमेंट्स ते है, वो ना बेचारा ऐ वेट कर रहा है, एक दिन मेरा बेटा जॉन आएगा। नर्स नू कहंदा, डॉक्टर नू कहंदा, मेरी ऑक्सीजन लगाए रखना, मेरा बेटा आएगा। नर्स देखती है, अचानक एक दिन वन जेंटलमैन मूविंग अराउंड, ऐसा ऐसा बार बार आ जा रहा है, कहंदी आई थिंक यू आर जॉन लुकिंग फॉर योर डैड। उन्हें कहा यस, वो कोल आया, इन्हें उन्हों क्या काइंडली होल्ड हिज हैंड, उन्हें वह हाथ पकड़ लिया, कहंदी सो यू आर जॉन, उन्हों कहंदी यूर सन इज हीयर, यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स, सी योर सन इज होल्डिंग योर हैंड। जॉन ने अपने उस मरीज फादर का हाथ पकड़ लिया, से इट इज 10 o'clock इन द मॉर्निंग, शाम के 6 बज गए, वो पकड़ के खड़ा रहा इंज। जॉन इज स्टैंडिंग एंड दिस मरीज लाइंग ऑन द बेड होल्डिंग द हैंड, आस्ता आस्ता ग्रिप छुट दी गई एंड दिस मरीज डाइड। जॉन दी ग्रिप छुट गई, जॉन का हाथ छुटिया, जॉन फाउंड दैट दिस मरीज इज नो मोर। जॉन दौड़ के नर्स को गया, नर्स दैट पेशेंट इज नो मोर। वो कहती है वाई यू आर सेइंग दैट पेशेंट ही इज नॉट योर डैड, कहता नो ही इज नॉट माई डैड, दैट आई वॉज हियर, आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी हु इज एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल एंड आई हैव टू टेल देयर फैमिली आई डोंट नो इन विच रूम और विच फ्लोर दे आर, बट मीन वाइल वैन आई वॉज मूविंग अराउंड यू सेट यू आर जॉन, योर डैड इज वेटिंग। दैन आई थॉट जिड़े मरीज नू मैं देखन आया उन्हों ते मेरी लोड़ पएगी, मैं देखन आया गल वक्री है, बट एट प्रेजेंट दिस मरीज नीड्स मी, तो मैं यदा हाथ पकड़ लिया, वो मैनू पुत्र समझ के ही हाथ उन्हें पकड़े आया सी, यू ऑलसो सैड कि मैं यदा पुत्र हाँ, तो मैं सोचा थोड़े मूमेंट्स लिए यदि सौख्या ए तो सुख मिल जाएगा तो पुत्र बन जाओ यार। जॉन वॉज नॉट रियली हिज सन। सत्संगत जे सानू एक ख्याल आवे और ख्याल चला जावे, मैं अपने गर्भपात करा लिया, मैं इस सच नू कंसीव ही नहीं कर सकया कि मैं भी अंत प्ले करा करा, मैं दूजिया का पुत्र बन जाया करा, उन्होंने हैल्प करा करा। सत्संगत जी अमेरिका मेरे फादर 9 महीने हॉस्पिटल रहे कोमा च, मेरी नानी जी 3 साल हॉस्पिटल रहे, कई ऐसे कारण होंगे ने जिन्हों कारण हॉस्पिटल तो घर आन नहीं देंगे, दो वीवर रेडी कि असी इन्हों की सेवा करांगे। मेरे जीजा जी 11 साल पैरालाइज रहे, इन सारे पिछले 3 महीने तो बीजी हॉस्पिटल ने, ये 4 मरीज़ नू मैं हॉस्पिटल जाके मैं रियलाइज़ कर रहा, उत्थे क्रिश्चन लोग आते हैं, कोई भी मरीज है उसका हाथ पकड़ के कहते हैं आई एम प्रेइंग फॉर यू गेट वेल सून गॉड विल हैल्प यू। साढ़े कोल धार्मिक स्थान पर टल खड़का खड़का के, ढोलकियाँ वाजे खड़का खड़का के, समा ही नहीं है, असी कदों इतने हॉस्पिटल से जाया करांगे, असी कदों ही ना मरीजों का हाथ फड़िया करांगे, असी तो अपने गली महल्ले भी साढ़े नेड़े त्रेड़े कोई माँ प्यो भैन भरा रहिंदे होण, असी उन्हां दा ध्यान नहीं करते, असी ओपरियां का कदों ध्यान रखिया करांगे, असी एवें पढ़ी जांदे ना को वैरी नहीं बिगाना, असी एवें पढ़ी जांदे कुदरत के सब बंदे। सत्संग जी मेरा ना कई जन्म सैलगीर करिया हो रहा है, कई जन्म गर्भ हीर खरिया हो रहा है, कई जन्म शाख कर उपाया, मैं वो सुकी टाणी हाँ जिदे ते कोई फल फ्रूट नहीं लगता, बिल्कुल मैं सुकिया, 84 जोन परमाया, ऐ मेरा 84 जोन हुने परमणा है, एट प्रेजेंट मैं पटक रहा हाँ, मैं जोना विच बार बार मेरा जम्मण मरण हो रहा है। सत्संगत अगेन मैनू ना एक कहण का कोई हक ही नहीं है कि पिछला जन्म नहीं होता, मनु यह कहण का भी कोई हक ही नहीं है कि अगला जन्म होता है कि नहीं होता, पर मनु यह समझ आ रही है एट प्रेजेंट 84 लाख जूना भोग रहा, 84 लाख ही नहीं कई करोड़ा जूना दियाँ आदत मैं भोगदा हाँ, और मैं एट प्रेजेंट इस रियलाइज़ करा
कि मेरा अवतरण हो गया और इस तो उपर उठा। जिसनों उठन से समझ आ जाएगी ना, वो जरूर दूजिया वास्ते जीना शुरू कर देगा। ए सामने एक पापा जी बैठे ने, मैं उन्होंने नाँ नहीं लाँगा, वो मना करते हैं, छुप के पैसे दे के जाते हैं। जो टीवी पर प्रोग्राम आ रहा, भुपिंदर सिंह जी, टीवी का प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, मैनू पेंशन मिली सी, मैं पेंशन कट्ठी कर करके ए 2 लाख कमाए ने, ए मेरे बैंक च पे सी, मैं FD तुड़ा लिया, ए 2 लाख दो, टीवी नहीं बंद होना चाहिए। सतसंग जी, साढ़ा तो 1 महीने का ही 3 लाख तो ज़्यादा खर्चा है, पर वो कल्ले नौकरी पेशा नहीं, रिटायर हो गए, पेंशन नू FD तुड़ा के दे जाते हैं। सतसंग जी, असी तुहाडे कोल पैसे मंगन नहीं आए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जे तुहानू ठीक लग रहा है काइंडली कंट्रीब्यूट। MP सिंह ने बड़ा सोहना आइडिया दिता है कि तुसी 2-2, 3-3, 4-4 घर के मैंबर हो, 4 दे बर्थडे दी मनी इकट्ठी करो, 4 दिन TV का प्रोग्राम चल जाएगा। वेरी सिंपल, 365 दिन ने, तुसी एक बच्चे का बर्थडे मनाते हो, तुसी उहदी इक्वल दे जाओ, 4 बंदे हो, 4 का मनाते हो, उहदी इक्वल दे जाओ। फोकिया जी झुंझ वाली टोपियां पा के, केक कट के खा के, हैप्पी बर्थडे टू यू करके खा पी के, उहदे च फैटनिंग क्रीम ही आउंदी है, होंदा कुछ नहीं है। असी की करते पे, अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज करते पे, वैन वी विल लिव फॉर अदरस। साडा गर्भपात है, असी 84 लाख जूना पटक रहे हैं। हुण मैं सैलगीर करिया तो अगली जून ते चलदा, जब ये जाना मैं किस करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, मैं गर्भ जून ही फिरता रहना, और बड़ा अपने आप नूं धर्मी समझदा और बड़ा करता समझदा। मेरे बिना कल नेरा हो जाएगा, मेरे बिना सूरज नहीं चढ़ेगा, मेरे बिना धर्म नहीं चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मैं कमा के लाया भुखे मरोगे, ये सारिया गल्लां मैं गर्भ जून ही फिरता रहना। नाम बिना जो पैरे खाए, ज्यो कूकर जूठन में पाए, स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कियो। जितना मनु सच दसिया जाता है और मैं स्टब्बन होके सीधा होता ही नहीं हाँ, तो मैं कुत्ते दी पूछ दी न्याई हाँ। दुनियावी कामयाबी या धन पदार्थों की प्राप्ति लई हर किसी नू माई बाप बना के अपना उल्लू सीधा करदा, मैं बिल्कुल कुत्ते दी न्याई हाँ। साकत स्वान कहीत बो लोभी, वो दुरमत मैल परिचय, लोभ लहर सब स्वान हलक है। सत्संग, जब कुत्ता मेरा पागल हो जाए तो मैं अपने मालिक का वफादार नहीं रहा, क्योंकि कुत्ता मालिक नूं भी कट लैंदा है। यस और नो? स्वान हलक है, मेरा मालिक रब जी ने, मेरा जगदीश, मेरे अंदर वसदे रब जी, मैं उन्हां दा भी वफादार नहीं रहा। उसका वफादार हो जाए, तेरा कुत्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ये भी हर पजो एक मन एक सित। कुत्ता तेरा फिक्सअप हो सकता है, कुत्ता मारना नहीं है, कुत्ता एलिवेट करना है। सत्संग, असी तो धर्म के नाते एक दूजे से भौंकते रहते हैं, कम्यूनल हेटरेड के नाते, धर्म खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, एक दूजे को मार मुकान से लगे हुए हैं, कुत्ते वांगू भौंक भौंक के। असी की कर रहे हैं? खोता धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ के याद करना, बैसा करनिया पर अमली जीवन ना जीना, मैं खोते दी जूनी चा। पढ़ाई करके भी जेकर मैं करतूतां गधे वालियां करदा हाँ, ता की मैं मनुखा नहीं। नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ ग्रंथ। ये साड़ी इंट्रोस्पेक्शन हो रही है, असी अपनी पड़चोल कर रहे हैं। मक्खी जो असी सच दी संगत लई एकत्रित होंदे हाँ, ता असी शहद दी मक्खी हाँ, हनी भी हाँ। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधब मखीरा। अगर हम सच की संगत करने के लिए कहीं भी इकट्ठे होते हैं, तो शहद के छत्ते के ऊपर जैसे मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, हम वो वाली मक्खी हैं। लेकिन अगर हम गंदगी, निंदा पैड़ करने के लिए, मंसूबे गंदे गंदे बनाने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, गंदगी वाले ख्यालों के लिए इकट्ठे होते हैं, तो हम विष्टा की मक्खी हैं, गंदगी की मक्खी हैं, बिगंध की मक्खी हैं। सत्संगत, आज मैं अपना आर्टिकल नहीं ले आया, ये आर्टिकल 7 साल पहला लिखिया सी, वैश्या किसको बोलते हैं। वैश्या जिस स्त्री को जबरदस्ती मजबूरी में पकड़ के और उसको एक 4 दीवारी के अंदर बंद करके
मर्दों ने अपनी वासना पूरी की है उस स्त्री को वैश्या नहीं कहते हैं। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे वाले शब्द इच तक कहते पे ने कि जो अंतकाल बेसवा जोन वाल परतद है वह उदा जीते जी इस वेले वैश वैश्या बन रहा है जदों वो इस मंदे ख्याली च फस चुका है। केड़े धर्म के ना हेठा दीन ईमान वेचना अते रब दे ना ते लोकां नू लुटना वैश्या पुना है। चारों पासे तुसी देख रहे हो अपने किरदार तो डिग के रिश्वत लेना भ्रष्टाचार करना वैश्या पुना है। एज इफ यू आर लिविंग लाइक ब्रॉथल पुटिंग योर कॉन्शियंस एट स्टेक इज लाइक लिविंग इन ब्रॉथल। असी वैश्या हाँ जदों कोई इंसान धार्मिक लिबास पा के बाबा जी बन के अपने आप नूं कोई संत बाबा बनवा के लोगों नूं ठगदा है अपना सच नहीं बोलता और लोगों नूं मूर्ख बनाता तुम ऐसे करो ऐसे हो जाएगा ऐसे करो ऐसे हो जाएगा तुम्हारे ये हुआ हुआ तुम्हारे वो राहु केतु है तुम्हारा शुक्र बलि है तुम्हारे को शनि बलि है तुम ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो ये रिटर्न कर लो ऐसे कर लो और लुट के तुहाडा पैसा लै जांदा वो उस वेले वैश्या पुना कर रहा है क्यों क्योंकि अपना दीन ईमान वेच रहा है। दीन ईमान वेचना वैश्या पुना है। माई गुडनेस अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे वेसवा जोन वाल वालों तरह सत्संग जी वैश्या कोई अलग जून नहीं होती। वैश्या तो एक इंसान होती है जिसका नाम वैश्या रखा गया पर असी तो यह कह रहे हैं यहां पर इंसान जब मर जाता है तो किसी जून में जाता है तो वैश्या तो इंसान जून है इहदा मतलब इहदे मीनिंग कुछ होर ने। अंतकाल जो स्त्री सिमरे जो गंदी मत पिछे चलता है भ्रष्टाचार और रिश्वत लेता है और दीन ईमान वेचता है हाट है हाट बिकाना जो करता है छोटी छोटी बात पे जो बिक जाता है उसको वैश्या बोलते हैं। वो अपना तन मन धन वेच रहा है सच को इग्नोर कर रहा है झूठ के लिए अपना बेच रहा है उसको वैश्या बोलते हैं। जिस मजबूर लताड़ी गई स्त्री को अबला बोला जाता है कि उसमें बल ही नहीं है जिसको वैश्या बोला जाता है जिसको लोग अपनी वासना पूरी करने के लिए ब्रॉथल में बिठाते हैं दैट इज नॉट वैश्या दैट इज तब्बा उन मर्दानगी। वो धरती पर मर्दों के माथे पर कलंक है। जो इंसान दीन ईमान बेचता है वो वैश्या है। लख 84 जून प्रमाया हुण मैनू इस तो अगे ठीक किया जाएगा ना सत्संग जी। हुण तक की होया मैं कीट पतंगा महसूस कर रहा वहां गजमीन कुरंगा हाथी ते मच्छी ते हिरन महसूस कर रहा वहां मेरे अंदर आदत ने पंखी ते सर्प वाली आदत ने घोड़े ते बैल वाली आदत ने इस तो इलावा कहते पे ने मेरे अंदर सैल गिर करिया मैं हार्ड हार्टिड हाँ पत्थर हाँ मैं मेरा मेनू चंगे ख्याल कंसीव ही नहीं होंगे मेरी सुकी शाख है मैं इस तरीके नाल सारिया जूना च भरमदा रोज़ रोज़ जितने नरक सो मन मुख भोग है मैं रोज़ रोज़ इतने नरक भोगदा मैं मन मुख गर्भ जूनी नित पाँदा जी मैं रोज़ रोज़ रूप वटांदा मुखौटे बदलदा ये स्टार्ट होया सी इतों सैमीनार मैं मुखौटे बदलदा मैं हिपोक्रेट हाँ मैं बैरूपिया हाँ मैं जियो मैले बारो निर्मल हाँ हुण मैनू एलीवेट करन लगे ने। मनु कहंदे ने सतगुर दी मत लै लैना सोल्यूशन शुरू होने लगा मत नू जगा लै इस 84 लाख जून दे चक्रव्यूह तो निकल सकता है। दुर्लभ दे चंगे गुणा दा गुणा का होवे वासला कट वास लीजिए कर लै शर्त की रहेगी जन्म जन्म की ए जड़े भैड़े भैड़े तू
मन दे ख्याल उन्हां दे जींदा है। जन्म जन्म की सोई जागी जगा ले। मैं जब सो जाता हूँ तो मेरी मत सो जाती है, मैं हाथी बन जाता हूँ, सो जाता हूँ तो कुत्ता बन जाता हूँ, सो जाता हूँ तो पैड़े बोल बोलता हूँ। वो बच्चे ने सिंसिस किया ना, क्या पापा जी तुसी कुत्तिया वांगू भौंक रहे हो, ये मेरे पैड़े बोल, मैं सो गया। जन्म जन्म की सोई जागी, एक एक अवगुण तो मैं जागना है। जन्म जन्म की सोई जागी, तो सोई जागी वास्ते करना पी पेगा, मेरे एक एक अवगुण तो छुट्टन वास्ते मैं उस तो तौबा करनी पेगी। यार बहुत ये गंदी गलियों से छोड़ा है अब, वो गलियां छोड़ा, जो जो तौबा करांगे रियलाइज करन तो बाद उस तो छुट्टांगे, और वो दवाई सानू कारगर होती जाएगी, नहीं तो दवाई कारगर नहीं ना आएगी, सानू खानी नहीं आएगी। सिंपली डॉक्टर बोल रहा है आपको ये बीमारी है, ये दवाई रात को सोते टाइम 3 चम्मच ले लेना। मरीज नेक्स्ट जाया, डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ, क्यों, मेरे घर 3 चम्मच है ही नहीं समझा ना धर्म। सत्संग जी असं धर्म नहीं समझते हाँ तो साढ़े उत्ते अपलाई नहीं होता, समझिए तो अपलाई हो सकता है, बड़ा सिंपल है। तुसी कदी देखिया घरां दे बाहर पाइप लगा होता है पानी का, जी आई पाइप। इस तरह एक आदमी चढ़ रहा है, पड़ोसन कहती है पत्नी नूं, देखो तुम्हारा पति कितना बदमाश है, पाइप से ऊपर चढ़ रहा है, सीधा सीढ़ियों से नहीं आ रहा, ऊपर उन्हां दा घर होना, पाइप से चढ़ रहा है। पति की इंटेंशन गलत सी। ए पत्नी पता की कहती है, हाँ डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी सेहत खराब है, सीढ़ियों से चढ़ना नहीं है। तुम्हारे को खांसी हो गई है, दमा हो गया है, तुम हुक्के पानी से दूर रहा करो। ओके, थोड़े दिन बाद पता लग गया दमा और बढ़ गया, तबीयत और खराब हो गई, डॉक्टर साहब मैं तो हुक्के पानी से दूर रहता हूँ। कहता लगता नहीं तुम्हारे मुंह से तो अभी भी तंबाकू पीने की स्मेल आ रही है, कैसे दूर हो गए हो। कहता आपने कहा था हुक्के पानी से दूर रहा करो, मैंने नेक्स्ट बेडरूम में हुक्का रख दिया है, वहां से पाइप लगा के दूर बैठता हूँ ना, पीता हूँ यहाँ पे। सत्संग जी ए वाले जेडे जोक दे थ्रू कटाक्ष होंगे ने ना, ये सानू जगाते ने, सानू टुंबदे ने, ताकि असी इस पासों जागीए। जे जागांगे ना तो मरण तो बाद वाले स्वर्ग नूं भुल जांगे। एम आई राइट? जे जागांगे तो इनू स्वर्ग बनावांगे ना, बनावोगे? फिर तो नहीं कहोगे मरने के बाद स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है? फिर तो नहीं कहोगे मरने के बाद कोई सजा मिलती है या नहीं मिलती है? सत्संग सानू भुलेखा पाया गया है, धर्म के नाम पर हमको डराया गया है, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तुम और जब सताएंगे, ऐसे करेंगे कसीट के ले जाएंगे, तुमको नरक में कड़ाई में तल देंगे, वहां पर ये करना होगा वो करना होगा, ऐसे कर देना, इससे डर लगता है। वहां स्वर्ग होगा, वहां जन्नत होगी, उसमें तेरे को वहां शराब की नदियां लगी होंगी, वहां पर अप्सरा मिलेगी, तेन हूरा मिलन गया, यही सारे गिमिक्स दसे हुए और आस पास पनिशमेंट दसी है। एम आई राइट? डराया हुआ है। इतने एक स्वामी जी लेक्चर दे रहे हैं, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, पुण्य करो तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। देखो इससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, मरण तो बाद स्वर्ग जाओगे। सारों को बात समझ में आ गई, सारे अपना हाथ खड़ा करो, कौन कौन स्वर्ग जाना जाता है, सारे ने हाथ खड़े कर देते। सामने एक बंदा बैठा सी, उन्हें नहीं किते, आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, स्वर्ग नहीं जाना चाहते? वो बंदा पता ही कहता है, नहीं मैं चाहता हूं मेरी वाइफ स्वर्ग जाए। हैं? स्वर्ग में तो सारा सुख आराम है और तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, तुम्हारी वाइफ जाए। कहता फिर इधर स्वर्ग बनेगा ना, वो जाएगी तो। सत्संग जी ए मेरी भैड़ी मत जिहड़ी मैनू वैश्या बनांदी है, अंतकाल जो इस्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, वेश्या जोन वल वल उतर, वैश्वा जोन वल वल उतर है। जदों ये मेरी मत मैं इनू हटावांगा ना,
इनू जदों मैं स्वर्ग भेजागा मीनस जदों मैं विजडम लवागा और इनू ठीक करागा ना तो मेरे मन की धरती का जगदीश मैनू प्राप्त और मेरी इस धरती से स्वर्ग बनेगा। एम आई राइट? मेक सेंस? यस। अपनी गंदी मत स्त्री छोड़नी पड़ेगी, गंदी मत रूपी स्त्री। वाइफ को छोड़ने की बात नहीं चल रही, पति से तलाक लेने की बात नहीं चल रही, माँ प्यो भैन भरा बच्चे छोड़ के जंगल जाने की बात नहीं चल रही। भैड़ी मत तो छुट जा। तूफान विच वड्डे वड्डे पेड़ ढह पैंदे ने, जो नहीं ढहंदे ने झुकना जानते ने। हंबलनेस। असी बांस वांगू हंकारे रहिंदे आ पर सच सुन सच की खुशबू नहीं लेना चाहते। बांस की करदा कबीर? बांस बढ़ाई बूढ़िया इउं मत डूबो, कोई चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। अबे बांस चंदन के पास रहता सुगंध नहीं लेता, आकड़िया रहना। जेकर सच का पला फड़ के संतोखी रहिंदे आ तां असी सच दे वफादार। हाँ, वफादारी वाला कुत्ते वाला गुण मेरा उजागर हो गया, उसने रिजक दिया सबों को, तद का प्राप्त हो गया। बर्फानी पहाड़ियां भी साध संगत जी, एक कुत्ते का नाम रखा गया सेंट बरनार्ड। सेंट बरनार्ड कुत्ते नू संत कहना शुरू कर दिता जदों तो कुत्ता बर्फानी पहाड़ियां ते लोकां दी डेड बॉडी नू या कोई इंजर्ड है उन्हां नू पकड़ के घसीट के वो घर तक पहुँचा देता है। चंगे कर्म करता कुत्ता तो उस कुत्ते उथे तक पहुँचा देता। सासरे जी अपने ला कंपेयर करके देखो, पशु मिले चंगे आईया, खड़ खावे अमृत दे, पशु पत्ते खाते हैं घास खाते हैं और दूध देते हैं। पशु मिले चंगे आईया, खड़ खावे अमृत दे, नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। सत्संग जी असी चंगा भला खा पी के हंडा के त्रिगाकार काम करते हैं, लानत वाले कर्स्ट वाली जीवनी बनाई हुई है। इस जीवनी तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आज, असी इस तो ट्रांसफॉर्म होना है। पशु कोलों ये गुण लेना है, पत्ते खाते हो और दूध देते हो, हम तो भोजन भी खाते हैं तुम्हारा दूध भी पीते हैं पर लोगों का खून चूसते हैं। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा, लोगों का जो खून चूसता है तिन क्यों निर्मल चीत, ओदा चित्त निर्मल नहीं ना होएगा। सानू समझाया है तू पशु कोलो चंगे गुण सीख, पशु दियाँ गलत आदतां ना सीख। जो पशु हरे पत्ते खा लेंदे ने उन्हां दे चंगे गुण सीख, उन्हां वांगू विजडम दा दूध अपने सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय नूं पिला। उच्चे पहाड़ की चोटी बनन के बदले नीवे तालाब या झील बन के बरसात का पानी एकत्रित कर सकते हैं ताकि मनुखता दे काम भी आए, पशु पंछी भी ये पानी पी सकन। वैर विरोध तेर मेर दे भेद भाव नू छड़ के मनुख नू कह रहे ने तू खुदगर्ज ना बन, नम्रता भरपूर जीवन जी, ऊंच नीच दा भेद मिटा दे। कबीर मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। सत्संग जी असी ते टोए टिब्बे रखे हुए ने, मैं उच्चा तुसी नीवे हो, कोई सोच रहा हम नीवे हैं तुसी उच्चे हो। सत्संग इन्हां गल्लां दा कुछ नहीं होंदा, असी टोए टिब्बे बनाए ने, मैदान नहीं कीता मन बराबर नहीं कीता। सानू कंपीटीशन दी बीमारी चमड़ गई है, कंपीटीशन दी बीमारी सानू इस पासे सुटदी जांदी है, असी धक्के जा रहे हैं उस पासे, असी डे बाई डे टेंप्टिंग होंदे जा रहे हैं कंपीटीशन दी रेस विच। और अपने माता पिता तो दूर होंदे जा रहे हैं। सत्संगत कंपीटीशन ते बाजार ही च रहेगा, सही है सुनो, पर कंपीटीशन दी ए वाली बिरती कि मैं हर हालत च क्वालीफाई करके सब नूं दिखा देना मैं सुपरमैन हाँ, मैं अचीव कर लिया वो अचीव कर लिया, इस बिरती तो छुटना है। मैं सिंपली पढ़ना है, मेरे नंबर जितने परसेंट आए फाइन, मैंने किसी को दिखाना नहीं है, मेरे को कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना, मेरे को कोई आसमान पर नहीं जाना,
मैंने कोई दुनिया को नहीं दिखाना मैं सुपरमैन हूँ सुपरवूमैन हूँ। आज दे नौजवान बच्चे नूं कंपीटीशन दी टेंशन नहीं सता लिया, इस करके उसनूं पता ही लग रहा कि मैं कुत्ता बन रहा, सांप बन रहा, खोता बन रहा, गां बन रहा, वेसवा बन रहा, बन की रहा नहीं पता लग रहा ना। जिस नौजवान लड़की को बोला जाए तुम्हारी फिगर बड़ी अच्छी है, तुम ऐसे ऐसे करके फोटोएं खिंचाओ, इतने सारे कपड़े उतार दो, तुमको मॉडल बना देंगे, तुमको हीरोइन बना देंगे, वो करी जा रही है, पता नहीं है ना। सत्संग जी, कंपटीशन दी इस बीमारी तो छुटना है, मेरे को कुछ प्रूव नहीं करना। तुसी सुनिया जिहड़ा बंदा ओलंपिक, मैनू सॉरी मैं खीमा करना, मैनू उहदा नाम भुल गया, बंदा ओलंपिक्स दे अंदर, ओलंपिक्स हर चार साल बाद होंदा है, लगातार हैट्रिक कर लो तो 12 साल लगातार तुसी गोल्ड मैडल जीतते हो। वो छोटी जी बोट होंदी ना, छोटी जी कश्ती जिहदे च एक आदमी सिर्फ बैठा होंदा है, उहदे नाल उहने चारों पासों बन्निया होंदा, उहदे नाल वो छोटी जी कश्ती दे विच वो रेस लगांदा सी, कंपीटीशन। ही वॉन ट्वाइस, थर्ड टाइम बिल्कुल सब तो अगे, एटलीस्ट 100 yards हो रहा तो अगे, और बिल्कुल विनिंग गोल दे नेड़े सी, फाइनल लाइन दे कोल। इस दे पिछे जिहड़े आ रहे सी काफ़ी दूर सी, उस तो थर्ड नंबर ते होर दूर सी, सपोज पिछे वाला 100 कदम दूर सी, उस तो पिछे वाला 150 कदम दूर सी, ये बड़े आराम दे नाल अपना पार कर सकता सी, और इन्हें पता सी उत्थे सारे अखबार वाले टीवी वाले बैठे हैं, और मेरे को थर्ड टाइम हैट्रिक का ही इनाम मिलेगा, गोल्ड मैडल, कि मैंने इस कश्ती से, मैं उसका नाम टेक्निकल नेम भुल गया, ऐ ऐसा ओलंपिक प्राप्त हो सकता सी, इन्हें पता सी आज मेरा रिकॉर्ड कायम होगा, पूरी दुनिया मेरे को याद रखेगी, कंपीटीशन है। पर इन्हें कंपीटीशन की बीमारी नहीं सी, पता की होया, इनू अचानक पानी च इंज आवाज़ आई जिस तरह कोई गड़बड़ है, पिछे मुड़ के देखा, देखा जिहड़ा सैकेंड नंबर ते बंदा आ रहा सी ना, वो पानी अंदर उल्टा हो गया सी, उल्टा हो के वो अपनी याक तो खोल नहीं सी पा रहा, अपने आप को सेव नहीं सी कर पा रहा, इनू रियलाइज़ होया ही इज़ इन प्रॉब्लम, बजाय इसके कि रिबन पार करके हैट्रिक जितना 12 साल उहदे मोनोपोली पूरे वर्ल्ड अंदर रिकॉर्ड बनना सी, और उन्हें अपना सब कुछ खोलिया और उत्थे जाके उसनू बचाया। जब उन्हें बचाया और उत्थे पहुँचया, सारे अखबार वाले मीडिया वाले उसको पता क्या बोलते हैं, तुम पागल हो जो तुम पहुँचने वाले थे, तुमको इनाम मिलना था, तुमको गोल्ड मेडल मिलना था, हैट्रिक होना था, तुमने ये क्या किया, इतना सुंदर चांस मिस कर दिया 5 कदम की दूरी पर थे। कहता है जब मैंने उसको बचाया ना, उसके बदले में वहाँ पर जो मेरे को इनाम मिलता और सारी दुनिया में वाह वाह होती, उसके कंपैरिजन में जब मैंने उसको बचाया, उसकी जान बचाई, तो ना उसकी आंखों में जो मैंने देखा है ना, दैट इज मच हायर देन वो वाली पॉपुलैरिटी। सत्संग जी, किसी की आंखें झांक के ऐसा देख सकते हो, किसी की लाइफ सेव करके, किसी का भला करके, किसी दे नाल प्यार करके, उसनों सुख दे के, उहदियां अखां च झांक के सानू तो देखना ही नहीं आता, अस ते कान भी बंद किए हैं, अखां ही बंद कीतियां, सुनाई भी नहीं देता, जानते ही नहीं आ, रूह ला टुंडा अंधला कह गल लगे ताए, असी तो चारों पासे डिसहारमनी क्रिएट की हुई, बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कंपीटीशन की रेस में फसे हुए हैं, यह वैर विरोध और सारी गेमां तो छुट सकते हाँ। अगे कहते ने अल्ट्रुइज़म वाला जीवन सीखिए, जदों आज तो 4 हफ्ते पहला न्यूयॉर्क मैं अपने बीजी ICU तो 3 हफ्ते वास्ते घर आए सी, मेरे पिछों फिर ICU चले गए ने, जदों घर आए असी सारे घर वाले इकट्ठा डिनर कर रहे सी, बीजी साढ़े नाल बैठे सी, एंड वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, उहदे च ही बीजी ने मैनू माँ नू जबरदस्ती जिहड़ी जूठन खवाण वाली स्टोरी डॉक्टर रघबीर सिंह बीर दी आत्म साइंस दी स्टोरी सुनाई, और इन्हां विच कुछ शब्द मैनू उन्होंने दसे, जिस तरह के एक शब्द दसिया, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने के जन्म, मैं वैर की गलियों में जीता था, ये मेरा जन्म मैंने बिताया 84 लाख जून का, बैर विरोध मैं विरोधता करता था, मैं ये जन्म में घूमता था 84 लाख जून 84 करोड़ जूना जो मैं घूमता हुआ रोज, बैर विरोध
काम हाथी, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रो, याहू जुगत भी आने इस तरीके से कई जन्म। मेरी चाहे उम्र 55 साल है पर मैं लाखों जन्म रोज बदलता हूं। बीजी मैनू रोटी खांदे सुना रहे हैं। अचानक माई एल्डर ब्रदर जोगी इंटरप्टेड एंड ही सेड आफ्टर दैट आई कुड नॉट ईट, रोटी नहीं मैं खा सकिया उस तो बाद। उन्हें मैनु पॉइंट लिखाया, मैं रोटी छड़ के पॉइंट उसी वेले एंज ही लिखिया। साडे ऐसे समाज नू त्रिकार है जो कुत्ते नू ता वधिया करांच वधिया बैठ ते वधिया भोजन देण दे योग हो गया है, पर उन्हां विचारे पछड़े मनुखां नू सड़कां दे किनारे ते गंदगी च सौंदे होए, जिहड़े विचारे कुत्ते दी जून तो कटिया जीवन जी रहे हन, ओह सानू क्यों नहीं नज़र आते। सत्संगत इत्थे बड़ा थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर खुल गया। नोशन है कहते ने चंगे कर्म कीते तो मनुखा दे मिली, सही है सुनो। अजी आप जी मनुष्य इसलिए बने हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। ए नोशन है चंगे कर्म कीते तो मनुखा दे मिली। सवाल पैदा होता है कुत्ते ने क्या चंगा कीता जो उसे सुख आराम मिले। बचपन जिना सी स्टैम्प्स कट्ठियां करते सी, ये स्वीडन की है, ये स्विट्जरलैंड की है, ये इंग्लैंड की रानी की है, ये सारी ना ब्लांड गोरियां होंदियां ना जिहड़ियां, उन्हां दियां स्टैंपां कट्ठियां करते सी। फिर इत्थों इंडिया तो जिहड़ा जांदा है गोरी मेम मरदा है उहदे उत्ते चिट्टी चमड़ी देख के, राइट। पर हैरानगी दी गल है जिस गोरी मेम को देख देख के तू इतना तरस रहा है, वो तेरे को तो अपने पास आने नहीं देती पर एक कुत्ते को गोदी में उठाती है और जब ये कुत्ता वहां पर सड़क के ऊपर टट्टी करता है उसकी टट्टी को उठा के जेब में रखती है और कुत्ते को पास बिठा के हानि हानि करके बिस्कुट खिलाती है। कुत्ता तेरे से वधिया होया के ना, सही है सुनो। कहते हैं कोई चंगे कर्म किए तो मनुष्य दे ही मिली है, कुत्ते ने की चंगा किया जो सारे आराम सुख भोग रहे हैं, मनुख ने की माड़ा किया जो कुत्ते तो बदतर जीवन जी रहा। सेकंड क्वेश्चन, कुत्ते ने की किया जो सुख आराम तो मिले पर मनुष्य दे ही नहीं मिली, क्या हुआ भाई? कुत्ते ने क्या गलत किया जो उसे मनुष्य दे ही नहीं मिली? पर सवाल उठता है मनुष्य ने की माड़ा कीता जो मनुष्य दे ही ना मिली पर कुत्ते वाले सुख आराम ना मिले। साध संगत जी आज ग्रॉसरी शॉप अंदर 50% तो ज्यादा एनिमल्स का फूड है, मनुख बार भुखे मार रहे हैं। इधर मैं ये मतलब नहीं एनिमल्स नु खवाना नहीं, मेरे सारे सब्जेक्ट इच एनिमल्स दे अगेंस्ट कुछ नहीं जा रहा। एनिमल सारे जो बोलत है बनमीन पंखेरू सो हरबिन जापत है नहीं, और सारे जितने एनिमल्स चारों तरफ देख रहे हैं सारे अपने अपनी रजा नियम कुदरत के सिस्टम से रहते हैं। कभी किसी कुत्ते ने किसी होटल की चादर नहीं चुराई, किसी कुत्ते ने होटल का पिल्लो कवर नहीं चुराया, किसी कुत्ते ने होटल से चमचे नहीं चुराई, किसी कुत्ते ने होटल में किसी स्त्री का रेप नहीं किया। मैं किसी जानवर दे गया इस गल्ला नहीं कर रहा, जानवर दे जेड़े गुण हन या जेड़े वो जी रहा है उन्हां चो मैनू टेम्पटिंग होंदा है, मैनू पसंद आंदे ने, जो तैं मारन मुक्की आ उन्हां दे अवगुण सारे लै ले क्योंकि सुत्ते होए आ। सात संगत जी बीजी एक दिन सुना रहे सी एक छोटा जिहा अखबार चो व्यंग पढ़ के, जुगनू नू किसी ने पूछया कि सकिंट तो भी थोड़ी देर लई जगना बुझना जगना बुझना जगना बुझना। कहता मेरी अणख है, मेरी सेल्फ एस्टीम है, जलेंगे तो अपनी लाइट से जलेंगे।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੋਏ ਨਾ ਅਣਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਣਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਣਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਰਾਈਟ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਰਾਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਈ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਚੂਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੂਕ ਗਿਆ? ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਮੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਥੇ, ਉਸਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਜਬ ਮੈਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਥੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੇ ਘੁਮਾ ਦਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੇ ਡਾਲਾ ਨਾ। ਅਬ ਜਬ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋ ਯੇ ਤੁਮਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਆ, ਤੁਹਾਰੇ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਤੁਹਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਲ ਸੇ 14 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੌਣ ਸੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹਾ ਹੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਯੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਤੁਮ ਯੇ ਕਸੂਰ ਕਰੋ ਤੋ ਯੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਯੇ ਕਸੂਰ ਕਰੋ ਤੋ ਯੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਅਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਆਇਆ, ਭੋਗਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਯਹਾਂ ਮਿਲੀ ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਫੋਰ ਅਦਰਸ, ਅਲਟਰੀਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਲੈ ਲੈ, ਪੇੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾਕਰੀ ਭਾਂਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰੇ ਖਾਏ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰ ਹੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਲ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਬਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਜਡਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਿਜਡਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਈ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਾਧਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ। ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ ਛੋੜੀ ਜਾ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ, ਮਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸੋ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ,
तेरा मन जे सतगुर की मत नू लैंदा जगदीश नू लैंदा कौ नानक हर हर गुण गाए ये चंगे गुणा नू जीना। फिर असी उस नवा जन्म इस समझिया सी उहदे विच कई किस्मां दे जानवर ट्रांसफॉर्म असी समझे सी। ये उसका सैकेंड एपीसोड समझ लो, डिफरेंट एंगल तो डिफरेंट शब्द। उहदी टेप का नाँ है नवा जन्म। इस टेप का नाँ इन्होंने रखिया मिलन की बरिया, दैट इज यूनिसन विद गॉड, वननेस विद गॉड, एक्सटेसी। फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे, मेरा हाथी भी ठीक हो गया, मेरा बैल भी ठीक हो गया और मेरा कां भी ठीक हो गया। एवें कां कां करते रहना पर कौआ ताल बजावे, हुण राग ही आ गया, हुण फालतू की कां कां नहीं करता। खिन मैं नीच कीट को राज, मेरा जिहड़ा कीड़ा पुना सी ना इसनूं राज दे दिता। नीच कीट ते करे राजंगा, राज दे दिया, मन दा नेचल राज दे दिता। घोड़ा की तो सहज दा जत की ओ पलाण, मैनू पेशेंस दे दिती, मेरा मन दा घोड़ा हुण दौड़दा नहीं है, फालतू फंडदा इधर उधर भटकदा नहीं है। पैर चोलना गधा नाचे, मेरा जिहड़ा गधा सी ना इसनूं भी रिजक दे दिता, इन्हें सतगुर की मत दा चोला पा लिया, गधा बदल गया। पैर चोलना गधा नाचे, पैसा भगत करावे। एक जगह कहते हैं मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जय खिंचे तै जाऊं, नानक हस्ती कुंडे बारा, फिर जून उजड़ पाए, मेरे मन हाथी नू सतगुर की मत दा अंकुश लगा के इनू कंट्रोल कर लिया गया। जिसका मन हाथी कंट्रोल कर लिता जाता है वह मनुख कभी किसी जगह किसी के पत नहीं लुटता, बलात्कार नहीं करता, क्योंकि उसका काम क्रिएटिव हो जाता है, प्रो क्रिएशन हो जाता है, रीक्रिएशन नहीं रहता। रीक्रिएशन तो छुट गए, प्रो क्रिएशन हो गए, काम साध दिया गया। अब ये फालतू का कहीं पर भी हाथी नहीं बनेगा, काम विलीन हो गया। सत्संग जी असी एक बारी ये एक्सरसाइज कीती सी, मैनू पता नहीं कि मैं लंडन कीती सी कि कैनेडा कीती सी या अमेरिका कीती सी, पर जे इत्थे कीती सी तां मैं रिपीट करना चाहता। फर्ज करो बचपन च मेरा मित्र सी मुन्ना, मुन्ना 9 साल का सी, मैं 11 साल का सी। मुन्ना जदों मैनू बुलाण आवे मैं अपना सारा होमवर्क वगैरह छड़ के मुन्ने की आवाज़ आई और मैं बाहर चला जाता सी, मुन्ने दे नाल खेडन चला जाता सी, मेरा काम काज रह जाता सी, होमवर्क रह जाता सी। एक दिन मैनू बीजी रोज़ समझाउण पर मैं मुन्ने की आवाज़ से चला जाता सी, पर एक दिन मैनू क्लिक हो गया रियलिटी। वैन आई वेंट टू मुन्ना एंड आई कॉल्ड मुन्ना, आई सैड मुन्ना, मुन्ना अंदरों आया आस्ते कहता मेरे पापा घर में है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, भूपिंदर तुम जाओ। मैं क्या माई गॉड, इन्हें अपना पापा का कहना मान लिया, मैं रोज़ बीजी का कहना नहीं मानता, इसने मेरे को टरका दिया। सत्संग जी इस एक्सरसाइज नूं मैं बनाया, मैं काम च बिजी हाँ, ये बाहर मेरे को हाथी सता रहा है, काम के लिए क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, मोह सता रहा है, तृष्णा सता रही है, निंदा चुगली सता रहे हैं, ये सारे जानवर पशु पंछी बाहर खड़े हैं, मेरे को आवाज मारे भूपेंद्र भूपेंद्र मैं अपने काम च बिजी हाँ, मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्यों मैं अपने जगदीश पिताजी के पास बैठा हूँ, जैसे मुन्ना बोला था, मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ। जेड़ा फोकस हो जाता है, जेड़ा अपने आप को साध लेंदा है, जेड़ा फ्रूटफुल लिविंग फॉर अदर्स क्रिएटिव कम्मा च अपने आप को पूरी तरीके नाल बिजी कर लेंदा ना साध संगत जी, उसते सारे जानवर आवाजा मारते रहते हैं, उसनु काम नहीं सता, उन्हें क्रोध नहीं सतांदा, उन्हें लोभ नहीं सतांदा। लेट देम कीप ऑन कॉलिंग यू, सबकी नो बॉल है, सबकी नो बॉल है, सारे क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैंने तुम्हारी बॉल खेलनी नहीं है। अपने इस अवस्था तो छुट्टन वास्ते सत्संग जी आज दे सेमिनार नूं करन वास्ते मैं जतन कीता कि मैं समझा मेरी ये बरिया है, चांस है कि धर्म सामने खड़ा है, मैनू मैसेज दे रहा है, मैनू मैसेज दे रहा है कि चंगे गुण संचित कर लै,
मैं जानवर जीव जंतों वाले अवगुण कट्ठे कर ले, पर यह जानवर जीव जंत भैड़े नहीं सन। इन्हों मैं सत का रिजक देना सी, मीनस अपने मन में, मन में मैं रिजक दिता और मेरा जो मन फिक्सअप होया यह सारे जीव जंत ठीक हो गए। मेरा शेर हुण क्रुएलिटी नहीं करता, मेरा हुण क्रुएलिटी की आदत खत्म हो गई, निर्दयता की आदत खत्म हो गई। मैं अपनी अवस्था नहीं सुना रहा, इस टॉपिक अनुसार सुना रहा। मत यह समझो भी मैं कह रहा मैं बड़ा पहुँच गया हूँ, तुम नहीं पहुँचे। सत्संग जी मैनू टैसट ना करना, मैं फेल निकलांगा, तुहाडा डिसहार्टनड होवोगे। प्लीज़ डोंट टैसट मी, डोंट टैसट एनी लिविंग ट्रेजर मैंबर। यह सारे ना ट्राई कर रहे ने, असी सारे फेल निकलांगे जदों तुसी टैसट करोगे, पर असी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डोंट कंपेयर विद एनी वन, वी आर ट्राइंग। सानू जो सच समझ आ रहा असू उसनू करन दा जतन कर रहे हैं कि यह शब्द की कह रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये केमिस्ट्री सिखों की नहीं है, ये केमिस्ट्री हर इंसान के ऊपर हो रही है। उसको समझाया गया है कि धर्म ये बोलता है चंगे गुण ले ले, नहीं तो तू कुत्ते बिल्ली हाथी वाले काम करता है और उसके साथ बड़ी गड़बड़ होती है। जानवर एक दूजे की हेल्प करते हैं, हाथी एक दूजे की हेल्प करते हैं, पर सत्संग जी फर्ज करो जानवर एक दूजे की हेल्प ना कर सकते होन, उन्होंने शायद इतनी अकल है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन सानू ये सारी अकल होंद असी अखा बंद करके क्यों बैठे हैं। अल्ट्रुइज्म इज स्पिरिचुअलिज्म, अल्ट्रुइज्म दूसरों के लिए जीना ही धर्म है, यही धार्मिकता है, यही 84 लाख जून के चक्कर से छूटने वाली जीवनी है। मिल जगदीश मिलन की बरिया ये है, तैनू धर्म दसिया गया, तू इसनू एदे चो रब्बी गुण सीख लै। रब्बी गुण सीखना दुर्लभ देश वारना कहलांदा है, देश संजरिया कहलांदा है, चंगे गुणा नू कट्ठा करना कहलांदा है। तू बड़ी देर तो इसनू अवॉइड किया होया सी, हुण तू स्लोली स्लोली सारे चंगे गुण सीख के इनू अडॉप्ट कर लै। चिरंकाले देश संजरिया, महसूस हो रहा है कि मैं कीट पतंगा गजमीन करंगा अते पंखी सर्प वाला जीवन जी रहा, हैवर ब्रिक जोयो वाला जीवन जी रहा, सैल गिर करिया वाला, कई जन्म गर्भ हिर खरिया वाला, शाख कर उपाया वाला, लख 84 वाला, हुण मैनू सत्संग प्राप्त होया है। सत्संग धर्म की गल नू कहिंदे ने, धर्म की गल जे सुन लवो समझ लवो तां उह अप्लाई हो जाती है, अदरवाइज भुलेखा पै जाता। सो जेकर टीचर पुछदा है बेटा वो आइटम बताओ जिसमें वाइटमिन सी होती है, खाने वाली कौन सी आइटम है जिसमें वाइटमिन सी होती है, तो बच्चा कहता है सर हरी मिर्च है। हरी मिर्च में कहता हाँ, जो खाता है सी सी करता रहता है, जो खाता है सी सी करता रहता है। यस, सत्संग मिर्च खाओ सी सी होती है ना। कई तो मिर्च चंगे चंगे खाने वाले कहते हैं मन जब तक खा के पसीना ना आ जाए, अखा तो आंसू ना निकल आन, ता तक मन स्वाद नहीं आता, मैं रज के मिर्चा चाहिए। सत्संग मिर्चा खाओ तो सी सी निकलता है। इंज जे एक बार धर्म खा लिया ना, धर्म की मत का भोजन रिजक दे दिता ना अपने आप को, डेफिनेटली यू विल हैव दिस बेनीफिट, यू विल बी बींग ऑफ दैट। पर असी धर्म को आप टकोसला बनाया होया, धार्मिक स्थान पर जो लोग पंडित काजी भाई ज्ञानी रागी यह सारे जोड़े मनुख ने ना, मनुख ने, उन्होंने कुछ बुरा भला कह की लड़ नहीं है, पर असी उन्होंने पैसे दे के बेचारा चैरिटी बॉय बना दिता। गलती साड़ी, उन्होंने कोई गलती नहीं है, पर नाल ही असी कही जा रहे हैं ये देखो जी ये तो धर्म में पॉलिटिक्स आ गई है, ये देखो जी धार्मिक स्थान वाले लड़ रहे हैं, ये देखो जी ये क्या हो रहा है, ये देखो जी जो पंडित काजी और भाई है ये तो सारे पैसे के लिए करते हैं लूटते हैं। यह सारी गल् करके ना असी सच धर्म को इग्नोर कर गए हाँ, जिमें बच्चा बाजार अखा बंद करके चल रहा, सामने कार भी आ सकती है, साइकिल भी आ सकती है, रिक्शा भी आ सकता है, बच्चा पटक भी सकता है, नाले च भी गिर सकता है, पर बाजार अचानक उसका फादर सामने तो आ गया, कहता बेटा ये बाजार में आंखें बंद करके क्यों चल रहे हो। पता ही कहता है पापा आपने तो बोला था बाजार में, बाजार से जब निकलो तो ध्यान रखना दुकानदार आंखों में धूल झोंकते हैं। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि अखा ही बंद कर लो, असी सब ने अखा बंद की हुई हैं,
ओ जी ये सब धार्मिक बातें हैं जी, ढकोसले हैं जी, ये पॉलिटिक्स है जी, ये लड़ रहे हैं जी, ये ऐसे हैं जी, ये ऐसे हैं जी, एक पास पुलिस है, एक पास गवर्नमेंट है, एक पास पॉलिटिक्स चल रही है, एक पास पंडित भाई बेच रहे हैं, ऐसे ऐसा गल्ला कर करके असं अपनी अखा ही बंद कर लिए। आप पढ़िए, आप पढ़ के सीखिए, सुनिया मनिया मन कीता भाव करिए, साडा जीवन बदल सकता है। साध संगत चारों पासे की कायनात चेंज हो सकती है, पूरी सृष्टि चेंज हो सकती है। इफ इट इज़ टू बी, इट इज़ अप टू मी। बस बदल जाएगा साध संगत, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। निराश ना होइए, हुण जो कुछ चारों पास होया इहदे अगेंस्ट असी रौला नहीं पाणा, किसी नूं सजा नहीं दे रहे, गौरमेंट पुलिस नूं बुरा भला नहीं कहना, पॉलिटिक्स नूं बुरा भला नहीं कहना, किसी नूं कुछ किए बिना मैं अपनी 84 लाख जून तो नवा जन्म लेना है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, साध संग पयो जन्म प्राप्त लेना है, और मैनू जो ही नवा जन्म प्राप्त होएगा, टूटे बंधन सात संग पाया, को नानक गुरु रोग मिटाया, बंधन छूट गए।